वेलकम स्टूडेंट्स चौहान टीम फिजिक्स तो आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों डॉपलर इफेक्ट इलास्टिसिटी सरफेस टेंशन एंड फ्लूड तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि पीस ऑफ स्टील हैज डब्ल्यू इन एयर डब्ल्यू वन इन वाटर एंड डब्लू टू इन ए स्पेसिफिक लिक्विड देन फाइंड आउट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड तो हमको यहां पर उस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू फाइंड फाइंड आउट करना है देखिए बच्चों सिंपल सा है प्रश्न डब्लू की बात करें डब्लू आएगा बच्चो एम जी डब्लू वन की बात करें डब्लू वन समझिएगा अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डुबो रहे हैं बाईंट फोर्स आएगा ऊपर की ओर एम जी आएगा नीचे की ओर मतलब अपेरेंट वेट अपेरेंट वेट आएगा ऊपर की ओर वेट क्या है W1. W1 आ, आएगा बच्चों, मान लेते हैं इसको ठीक है ना वाटर के लिए बाय फोर्स बी वन लिक्विड के लिए लिक्विड के लिए अपेरेंट फोर्स आ रहा है डब्लू टू ये आएगा एम जी माइनस बी टू ठीक है बच्चों यहां तक अब देखिए अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो यहां से अब देखिएगा हमें चाहिए रिलेटिव डेंसिटी सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट दैट कैसे बी वन बी वन यहां पर आपको प्राप्त हुआ है mg जी माइनस डब्ल्यू वन आ जाएगा और बी टू का वैल्यू यहां पर आएगा mg जी माइनस डब्ल्यू टू ठीक है बच्चों बी वन की बात करें ये आएगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी ये आ रहा बच्चों एम जी माइनस डब्ल्यू वन बी टू की बात करें ये आएगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी बराबर एम जी माइनस डब्ल्यू इसको कहा हमने डब्ल्यू टू इक्वेशन वन इसको कहा इक्वेशन टू तो अगर इक्वेशन टू में इक्वेशन वन का डिवाइड करें या पहले हम लोग वन में टू का डिवाइड करके एक बार चेक कर लेते हैं वी से वी हो गया कैंसिल जी से जी कैंसिल हमें चाहिए बच्चों रो एल अपॉन रो डब्ल्यू यह आएगा रो एल अपॉन रो डब्ल्यू का वैल्यू विच विल बी एम जी माइनस डब्ल्यू टू अपॉन एम जी माइनस डब्ल्यू वन एम जी क्या है यहाँ पर डब्ल्यू सो डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन सो फ्रॉम फाइंड आउटीडन यहां पर मैच कर रहा है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन सो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ओके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हमारा ओके दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन और यहाँ पर आपसे कहा गया इन द शॉन फिगर द हैवी सिलेंडर इज देयर ये क्या है बच्चों सिलेंडर है मतलब इसका आप क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है लेंथ इसकी पीछे की ओर है ओके रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस सेपरेट्स टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी टू रो एंड थ्री रो ये एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी है टू रो ये दूसरा वाला है लिक्विड जिसका है डेंसिटी थ्री रो ओके okay, अब आपसे यहाँ पर कहा गया है वाट विल बी द एच एच का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा ताकि सिलेंडर जो है दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टॉर्क की टॉर्क का वैल्यू यहाँ पर होगा जीरो क्यों क्योंकि हमको पता है कि हरेक पॉइंट पर फोर्स होगा सरफेस के परपेंडिकुलर इट हर एक फोर्स सेंटर से पास होगा यहाँ का भी और यहां पर भी हर एक फोर्स सेंटर से पास होगा इट मीन इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में टॉर्क का वैल्यू जीरो होगा सही बात है अब बात कर लेते हैं हम लोग फोर्स की तो शायद फोर्स का आपको फॉर्मूला यहां पर याद होगा आई होप सो हाफ रो जी ओके बच्चों तो अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं फोर्स की तो फोर्स से पहले हमको यहां पर चाहिए प्रेशर तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर आ, बात कर रहे हैं कि एक्स डेप्थ के ऊपर हमने एक अल्पांश लिया या यूं कहें एलिमेंट्री पार्ट लिया और इसका जो थिकनेस है वो है बच्चों डी एक्स ठीक है है एक्स डेप्थ एक्स डेप्थ पर इस सिलेंडर पर हमने यहाँ पर एक एलिमेंट्री पार्ट लिया है ठीक है तो यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा बच्चों रो जी एक्स हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर अगर प्रेशर है हमारे पास तो हम लोग यहाँ पर फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे आएगा है बच्चों प्रेशर इनटू एरिया अब देखो बच्चों इस वाली जो स्ट्रिप है ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया क्या होगा समझिएगा डी तो क्या इसकी? है इसकी थिकनेस लेकिन इसके पीछे सिलेंडर की लेंथ है एल ठीक है तो डी एक्स मतलब इस वाले पार्ट पर जो एरिया होगा सिलेंडर जो है वो कुछ इस फॉर्म में है। स्ट्रिप ली हमने डी एक्स और लेंथ है इसकी एल ठीक है तो ये डी एक्स इन टू एल विल बी एरिया जहां पर ये फोर्स लग रहा होगा परपेंडिकुलरली ओके सो डीएक्स इंटू एल ये आएगा बच्चों एरिया तो ये हमें प्राप्त हुआ बच्चों फोर्स ठीक है अब क्या करें इंटीग्रेशन कर दें इंटीग्रेशन किया जीरो से लेकर यहाँ तक एफ तक ले लो और यहाँ पर जीरो से लेकर एच तक ले लो एक्स का वैल्यू जीरो से एच तक और अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ पर जीरो से लेकर R तक लेंगे ठीक है अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इस साइड के फोर्स की ये आएगा फोर्स बच्चों यहाँ पर सॉल्व करने पर रोजी एल एक्स स्क्वायर अपॉइन्ट टू ठीक है रोजी एल एक्स स्क्वायर अपॉइन्ट टू लिमिट के बाद आएगा एच स्क्वायर अपॉइन्ट टू ठीक है एच स्क्वायर अपॉन टू सो फ्रॉम ईयर वी कैन से दैट विल बी द फोर्स फ्रॉम दिस साइड और इस साइड की बात करें तो यहां पर एक्स की जगह काम में आएगा आर इट मीनस यहां पर एच था यहां पर आएगा फोर्स एफ डैश मान लो इसको रो जी एल यहां पर आएगा आर स्क्वायर अपॉन यहां पर एच आ रहा था यहां पर आएगा आर अब देखो बच्चों, डेंसिटीज का वैल्यू क्या है अलग अलग है यहां पर टू रो और यहां पर थ्री रो तो यहां पर टू रो आ जाएगा यहां पर आ जाएगा थ्री रो अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में दोनों साइड का फोर्स क्या होगा बराबर होगा मतलब F और F डैच का वैल्यू सेम होगा ओके सो वी कैन राइट इट लाइक दिस हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में ठीक oh, oh. है सो एफ अपॉन एफ डैश ये फोर्स सेम है टू से टू यहां पर कैंसल हो गया रो जी एल कैंसिल हो रहा है ठीक है और ये आ रहा है टू और ये आ रहा है थ्री तो इसको हमें चाहिए यहां पर हाइट का वैल्यू तो थ्री को और आर स्क्वायर को यहां ले आओ बच्चों ये आएगा वन वन ओके थ्री आर स्क्वायर ये आ रहा है टू एच स्क्वायर सो फ्रॉम हियर एच का वैल्यू ये आएगा बच्चों रूट थ्री बाई टू आर ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट विच ऑप्शन विल बी राइट आंसर ओके सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और, और यह है हमारा अगला सवाल इसमें आपसे कहा गया है कि ए लाइट सेमी सिलेंडर गेट ऑफ रेडियस आर इज पाइवोटेड ये एक सिलेंडर है हाफ पार्ट है इसका इसका क्रॉस सेक्शनल पार्ट हमको यहाँ पर दिख रहा है और इट पिवोटेड एट पॉइंट मतलब ये है इसका रोटेशनल एक्सिस ठीक है देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट ओके फिगर होल्डिंग ऑफ लिक्विड डेंसिटी यहां पर कितनी है रो ये है लिक्विड डेंसिटी इसकी रो तो अब आपसे यहाँ पर कहा गया है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द रोटेशन ऑफ द गेट इज इक्वल टू तो हमें यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई करना होगा ताकि ये गेट रोटेट ना कर पाए ठीक है बच्चों अब हम लोग यहाँ पर केवल रोटेशन की बात कर रहे हैं इट मीनस टॉर्क की बात कर रहे हैं ठीक है तो बच्चों हमको पता है कि हर एक पॉइंट पर जो फोर्स आएगा दैट विल पास फ्रॉम पॉइंट ओ ओके okay. और अगर पॉइंट ओ से सारे फोर्स पास कर रहे हैं तो नेट टॉर्क का वैल्यू क्या होगा बच्चों जीरो होगा इट मीनस हमें यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं चाहिए जो इसके रोटेशन के लिए या रोकने के लिए जरूरी हो क्योंकि पहले से ही इसका रोटेशन रुका हुआ है क्योंकि नेट टॉर्क पहले से ही क्या है जीरो है ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट आवर ऑप्शन नंबर फोर नन ऑफ दिस विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और, और ये हमारा अगला सवाल और इसमें आपसे कहा गया है फ्लूड कंटेनर इज कंटेनिंग ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज एक्सलरेटिंग अपवर्ड विथ एक्सलरेशन ए अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लेशन एल्फा देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फ्री इज मतलब हमको यहाँ पर इस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है ठीक है बच्चों देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो uh, मान लीजिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर है P1 और इस वाले पॉइंट पर है प्रेशर P2 ठीक है तो P1 का वैल्यू यहाँ पर डेफिनेटली ज्यादा होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं लिक्विड का हाइट यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम है ओके तो मैं अगर बात करूं तो ये आएगा बच्चों P1 वन माइनस का वैल्यू मान लीजिए कि ये हाइट जो है वो है H1 और ये हाइट है H2 ठीक है पी वन माइनस पी टू दैट विल बी अब इस साइड में एक्सलरेशन कितना है बच्चों G cos अल्फा है ठीक है G cos अल्फा सो फ्रॉम हियर वी कैन से P1 वन माइनस पी टू दैट विल बी रो जी कॉस एल्फा एंड हाइट का डिफरेंस आएगा H1 वन माइनस एच टू एच वन माइनस एच टू आ जाएगा ठीक है ये तो बात हुई इस डायरेक्शन की अब बात करते हैं हम लोग इस वाले डायरेक्शन की यानी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग की बात करें तो अब यहां पर पी वन माइनस पी टू का वैल्यू क्या प्राप्त होगा देखो बच्चों यहां पर एक्सलरेशन आगे की ओर है छोड़ो फोर्स होगा पीछे की ओर इट मीन पीछे की ओर एक छोड़ो एक्सेलरेशन फील होगा और साथ ही साथ इस साइड में एक्सेलरेशन है जी साइन एल्फा इट मीन यहां पर ए प्लस जी साइन एल्फा ये एक्ट कर रहा होगा पीछे की ओर ठीक है तो हम लोग इनका यूज करके यहाँ पर P1 और P2 का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं मान लीजिए कि आ, यहां पर ये जो है लेंथ ये है बच्चों L है ये लेंथ ठीक है ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूं मैं ये लेंथ है एल तो पी वन माइनस पी टू का वैल्यू यहां पर आपको प्राप्त होगा रो एक्सेलरेशन नेट ए प्लस जी साइन एल्फा जी साइन एल्फा और क्या आएगा बच्चों लेंथ लेंथ कितनी है एल ठीक है यहां तक अब देखो बच्चों पी वन माइनस पी टू का वैल्यू ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल ठीक है रो से रो कैंसिल हो जाएगा अब देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग अगर बात करें टेन थीटा की तो ये आएगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर एच वन माइनस एच टू होगा ठीक है और बेस क्या होगा बच्चों लेंथ एल इट मीनस हम लोग इसको यह, यहाँ ले आए अगर तो ये बन जाएगा ए प्लस जी साइन एल्फा नीचे प्राप्त होगा बच्चों जी कॉस एल्फा और यहां पर आपको प्राप्त हुआ है एच वन माइनस एच टू अपॉन एल और एच टू एच वन माइनस एच टू अपॉन एल क्या है बच्चों टेन थीटा तो मैं इसको लिख सकता हूं टेन थीटा की फॉर्म में सो फ्रॉम हियर वी विल गेट आवर आंसर थीटा नहीं यहाँ पर ये यह क्या एल ओ थीटा ये बच्चों ओके थीटा है इस प्रश्न में आपसे कहा गया कि फिगर शोज है थ्री आर ट्यूब इन विच ए लिक्विड इज फिल्ड अपल ऑफ हाइट एल एल हाइट तक यहां पर तीनों जो ट्यूब वहां पर लिक्विड भरा हुआ

तो ये ओमेगा में यहाँ पर फाइंड आउट करना है देखिए बच्चों सिंपल सा है कैसे करेंगे जब ये लिक्विड यहाँ पर आएगा तो उस केस में यहाँ पर क्या होगी एयर होगी क्यों क्योंकि ये भी यहाँ से ओपन है और ये भी यहाँ से ओपन है तो यहाँ पर होगा पी एटमोस्फियरिक और ये वाला जो लिक्विड है ऊपर की ओर और, और ये वाला भी लिक्विड ऊपर की ओर चला जाएगा और दोनों साइड के अंदर लिक्विड हाफ हाफ पार्ट में बढ़ जाएगा मतलब अब इस वाले पार्ट में लेंथ होगी थ्री एल बाई टू और यहाँ पर भी लेंथ होगी थ्री एल बाई टू ठीक है अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसकी रोटेशन के कारण इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा और उतना ही प्रेशर इस वाले कॉलम के कारण भी यहाँ पर होगा तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं रोटेशन के कारण यहाँ पर प्रेशर की तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस वाले पार्ट पर लेट ये पार्ट जो है ये एक्स डिस्टेंस पर है और इसका जो लेंथ है वो है डी ठीक है तो इस डी पार्ट पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा दैट विल बी लेट इसका मास है डी एम ओमेगा स्क्वायर डिस्टेंस कितनी है एक्स मास की बात कर ले तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो इस वाले पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए कि ये है ए ठीक है एरिया ए आ गया लेंथ कितनी है डीएक्स ठीक है एरिया 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 इंटू लेंथ क्या हो गया वो वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आ जाएगा ये आ गया मास ये आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स अब क्या करें इंटीग्रेशन कर दें तो यहां से आपको प्राप्त होगा बच्चों फोर्थ और जो एक्स है दैट विल बी जीरो से लेकर एल तक होगी सो so यहां से आपको फोर्थ का वैल्यू मिल रहा है ए इंटू रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा ठीक है एक वो हम लोग अगर यहां ले आए तो आपको यहां पर प्रेशर का वैल्यू मिल जाएगा दैट विल बी रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन टू ठीक है यहां तक अब इसकी हाइट के कारण यहां पर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा या, यानी हम लोग यहां पर बात करें गेज प्रेशर की सो दैट विल बी रो जी हाइट का वैल्यू कितना बच्चों थ्री एल बाई टू ठीक है अब ये दोनों पी जो है वो सेम होंगे तो हम इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो ये आएगा बच्चों रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन टू और यहां पर आ रहा है रो जी थ्री एल अपॉइन टू टू से टू यहां पर कैंसिल हो रहा है रो से रो कैंसिल हो रहा है और एल से एल कैंसिल हो रहा है सो तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट ओमेगा ओके दैट तो विल बी थ्री जी अपॉन एल थ्री जी अपॉन एल और इसका स्क्वायर है तो यहां पर क्या आ जाएगा रूट ओके सो फ्रॉम ईयर वी कैन से दैट आवर थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और अगला प्रश्न है हमारा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्प्रिंग

बैलेंस का और इस वाले बैलेंस का जो रीडिंग होगा वो क्या होगा जहर सी बात है हमें यहां पर दिख रहा है कि पहले जो इसका रीडिंग होता यहां का वो होता एम जी माइनस बी होता जहर सी बात है क्यों क्योंकि यहां पर बाय फोर्स एक्ट कर रहा होगा ठीक है इट मीनस यहां पर अगर हम लोग देखें अगर यहां पर हम लोग देखें तो अच्छा अच्छा वन मिनट बच्चों अगर हम लोग बात करें इस लिक्विड की तो इस लिक्विड का इस बीकर के साथ जो था वेट वो था फाइव के और इस ब्लॉक का वेट ये था टू किलोग्राम जाहिर सी बात है कि अब यहां पर अगर हमने इस ब्लॉक को डाल दिया है तो इसका एक रिएक्शन फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा जो कि इसके वेट को बढ़ा रहा होगा ओके okay? इस टोटल लिक्विड के वेट को ये वाला फोर्स नीचे की ओर बढ़ा रहा होगा क्यों क्योंकि इस लिक्विड का इस ब्लॉक पर फोर्स आ रहा है ऊपर की ओर तो नीचे की ओर एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा जिसके कारण अब यहाँ का जो रीडिंग है विल बी ग्रेटर देन किलोग्राम और जाहिर सी बात है कि यहां पर पहले रीडिंग था टू अब यहां पर बाय फोर्स कहां लग रहा है ऊपर की ओर इटमीन्स अब इस वाले पार्ट का रीडिंग कम हो जाएगा कम कौन कर रहा है यहाँ पर बाई एंड फोर्थ इट मींस नाउ रेडिंग विल बी लेस देन टू किलोग्राम और इसका होगा ग्रेटर देन फाइव किलोग्राम देखते हैं बैलेंस ए विल रीड मोर देन टू के गलत है नेक्स्ट है बैलेंस बी विल रीड लेस देन फाइव के गलत है बैलेंस ए विल रीड लेस देन टू के सही बात है एंड बैलेंस बी विल रीड मोर देन फाइव के सही बात है बिल्कुल और फोर्थ ऑप्शन है संतुलन ए और बी क्रमश दो गलत है सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट थर्ड ऑप्शन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा वेव और यहां पर आपसे कहा गया है कि प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव इज मूविंग इन एयर अलोंग एक्स एक्स इज द पार्ट ऑफ दिस वेव एट ए गिवन पॉइंट एक्स बराबर एक्स नॉट फ्रॉम द सोर्स एट ए सर्टन Instant t is equal to t0 has the waveform shown below in the displacement-time graph and velocity-time graph, respectively. Velocity of the wave uh, has value v0, and uh, angular velocity is omega. Then, which of the following equation will correctly represent the complete wave at x0, agreeing with the above waveform? Okay, watch you. यहां पर आपसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा वाला इक्वेशन इस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जाहिर सी बात है हम लोग कंडीशन अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि कौन से वाले इक्वेशन सही होगी कैसे करेंगे देखिए बच्चों यहां पर x का वैल्यू जब x नॉट है तब y का वैल्यू क्या प्राप्त होगा a प्राप्त होगा तो रख के हम यहां पर चेक कर सकते हैं x का वैल्यू x नॉट कब है जब t का वैल्यू क्या है t नॉट तो t का वैल्यू t नॉट यहां पर अगर हम लोग रख रहे हैं तो यहाँ पर कॉस माइनस पाई बाई टू विच विल बी ज़ीरो इट मीन्स ये वाली इक्वेशन नहीं हो सकती यहाँ की बात करें टी माइनस टी नॉट तो टी का वैल्यू टी नॉट रखा ज़ीरो आ जाएगा साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन आ जाएगा दैट विल बी माइनस ये भी नहीं हो सकता यहाँ की बात कर लेते हैं यहां पर okay? तो बर टी बराबर टी नॉट रखा ये आ जाएगा जीरो पाई बाई का वाई का ए. और यहां की बात करें तो कॉस बाई टू आएगा विच विल बी जीरो सो सी दैट थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और यह है हमारा अगला प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है ए

देन फाइंड आउट द रेशियो रेशन एंड टू का रेशियो क्या होगा पर और क्या है Apparent? Frequency. तो हमको पता है कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो दूर जा रहे हैं और सोर्स रेस्ट में अब देखते हैं कि ऑब्जर्वर और सोर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी यहाँ पर वी नोट है ठीक है और इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी देखो बच्चों ये वाला है एंगल 45 क्यों क्योंकि ये लेंथ भी ये है ये भी ये है जबकि ये एंगल 30 है इट मीनस वेलोसिटी तो है इधर तो इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी बच्चों ये एंगल है 30, तो ये 15 होगा दैट विल बी बी कॉस फिफ्टीन ओके तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ वन और एफ टू का वैल्यू क्या प्राप्त होगा एफ वन दैट विल बी एफ और ये आएगा बी ऑब्जर्वर दूर जा रहा है मतलब वी नॉट कॉस 15 डिग्री सोर्स इज एट रेस्ट इट मीन्स यहाँ पर आएगा वी एफ टू की बात कर लेते हैं ये आएगा एफ v माइनस वी नॉट ही आएगा क्योंकि तो यहाँ पर है एंगल ज़ीरो डिग्री v नॉट यानी कॉस जीरो का वैल्यू वन आ जाएगा ये आएगा v अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एफ़ वन अपन एफ़ टू का अगर रेशियो हमें फाइंड आउट करना है एफ से ऐप कैंसिल बी से वी कैंसिल अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो है इस वी नोट को कम कर रहा है अगर ये वाला पार्ट कम होगा तो ये टोटल पार्ट क्या होगा ज्यादा हो जाएगा ओके सो डेफिनेटली फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस पार्ट विल बी ग्रेटर देन दिस पार्ट सो एफ वन का वैल्यू एफ टू से ज्यादा होगा इट मीनस एफ वन एंड एफ टू का रेशो होगा ग्रेटर देन वन ओके सो ऑप्शन जीरो वन एंड इसके आगे होगा शायद इट विल बी मोर देन वन ओके एफ वन अपॉन एफ टू ग्रेटर देन वन आएगा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इसमें एक मिनट ठीक है चलिए पेपर के अंदर है ऐसा ऑप्शन है हमारे पास ओके सो एफ वन अपन एफ टू विल बी ग्रेटर देन वन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और यह हमारा अगला प्रश्न और इसमें आपसे कहा गया है इसमें आपसे कहा गया है टू स्पीकर्स स्पीकर्स ऑफ टू मीटर अपार्ट प्ले फ्रीक्वेंसी नॉट इन सेम फेज फ्रीक्वेंसी नॉट इन सेम फेज अलॉन्ग लाइन थ्री मीटर इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर ठीक है द इंटेंसिटी इज हर्ड इंटेंसिटी इज़ हर्ड एट ए मिनिमम इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ इच स्पीकर देयर इज ओनली वन मैक्सिमम बिटवीन दिस पॉइंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉट इज दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड दिस मच ओके तो यहाँ पर दो स्पीकर्स हैं ओके ठीक है ये हमारे दो स्पीकर्स ठीक है और इन दोनों के ठीक बीच वाले पॉइंट पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सेम फेज़ के अंदर ये वेव्स आएंगी ओके okay? और अगर सेम फेज में ये वेव्स आएंगी तो एज बी नो कि इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त होगी सही बात है अब बात करते हैं कि इनके ठीक सामने अलोंग ए लाइन थ्री मीटर इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर यहां पर बिल्कुल सामने वाले पॉइंट के ऊपर हमें मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई दे रही है ओके okay, यहां पर आ रहा है मिनिमम इंटेंसिटी और साथ ही साथ आपको यहां पर कहा गया है देर इज ओनली वन मैक्सिमम देर इज ओनली वन मैक्सिमम बिटवीन दिस पॉइंट मतलब इस पॉइंट और यहां पर भी क्या है मिनिमा है इन दोनों के बीच में केवल एक पॉइंट पर आपको मैक्सिमा प्राप्त हो रहा है ठीक है बच्चों तो अब आपसे यहां पर कहा गया है कि तो इन दोनों बिंदुओं के बीच केवल एक अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है तो धुन की आवृत्ति का मान क्या होगा ओके okay बच्चों ओके okay बच्चों तो यहां पर यह लेंथ कितनी दी गई है टू मीटर और ये लेंथ कितनी है थ्री मीटर तो यह लेंथ होगी हो बच्चों थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर का रूट मतलब ये होगी रूट थर्टीन मीटर तो ये हुआ इस स्पीकर से निकलने वाली वेव का पाथ और ये हुआ इसका बात तो यहाँ पर हम लोग बात करें अगर पाथ डिफरेंस की तो ये आएगा बच्चों रूट थर्टीन माइनस थ्री ओके और मैक्सिमा के ठीक पहले वाले मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस होता है बच्चों लेमडा बाई टू ओके सो फ्रॉम ईयर वी कैन से इट विल बी लेमडा बाई टू ओके okay. तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा रूट थर्टीन माइनस थ्री बी अपॉन टू एफ कर दीजिए तो यहां से आपको एफ का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा इट मीनस नाउ कैलकुलेशन इज देयर बी आपके पास है यहाँ पर 330 सौ तीस एफ का वैल्यू यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हो विच विल बी अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव के आसपास आपको प्राप्त होगा ओके सो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये हमारा अगला प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है इसके अंदर आपसे कहा गया है एंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी रो इज हंग फ्रॉम ए थिन स्टिल वायर द फंडामेंटल फ्रीकुन्सी फॉर द ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव इन द वायर इज थ्री हंड्रेड द ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन वाटर सो दैट वन ऑफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इज समर्ज द न्यू फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इन हर्ड्स विल बी ओके तो यहाँ पर इसका जो डेंसिटी है स्पेसिफिक वो दिया गया है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं वी क्या होता है बच्चों रूट टी अपॉन म्यू ठीक है तो अगर एयर की बात कर रहे हैं तो टी का वैल्यू एम जी आ जाएगा म्यू और ये रूट आ जाएगा ठीक है अब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल की बात करें तो हमको पता है कि इट विल बी लाइक दिस यहां पर होगा एक ऑब्जेक्ट ओके सो फ्रॉम वी कैन सी दैट देर इज ओनली वन लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है बच्चों लेमडा बाय टू बराबर एल आ जाएगा तो का वैल्यू यहाँ से आएगा टू एल ओके लेंथ हमारे पास है क्या इसका देखते हैं अभी इसको ओके लेमड़ा का वैल्यू आ रहा है बच्चों टू तो अब एस वी नो वी क्या होता है एफ इन टू यह आएगा एम जी अपॉन म्यू का रूट तो यहाँ से आपको एफ आप का वैल्यू प्राप्त हुआ है लेमड़ा लैमड़ा कितना है वन अपॉन टूएल्व ओके एम जी अपॉन म्यू यह आ गया और यहाँ पर एफ का वैल्यू आपको दिया गया है थ्री हंड्रेड ठीक है तो इसका वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ तक ठीक है इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर वन अब देखिए आपसे कहा गया है कि अगर हमने इसको पानी के अंदर डुबो दिया है और इसका हाफ जो वॉल्यूम है वो डूब गया है तो अब नई फ्रिक्वेंसी कितनी होगी ओके नई फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा तो बच्चों हम लोग इसको देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर यानी पानी के अंदर आधा डूबा हुआ है तो इसके ऊपर फोर्स आएगा बच्चों बी बाय फोर्स तो अब यहां पर टेंशन का जो वैल्यू होगा वो चेंज होगा क्या आएगा बच्चों एम जी माइनस बी बी आएगा रो जी और ठीक है वी रो इन टू जी आएगा बच्चों टेंशन का वैल्यू एम क्या था यहां पर वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रो ये है डेंसिटी ऑफ वाटर ओके ये आएगा जी माइनस वी बाई टू रो डब्ल्यू की अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर दैट विल बी वन सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि यहां से आपको टेंशन का वैल्यू प्राप्त हो रहा है कितना आएगा बच्चों ये v और so g तो कॉमन आ गया ये आएगा टू रो माइनस वन अपॉन टू टू रो माइनस वन अपॉइंट टू ठीक है यहाँ तक तो अब इस केस के लिए हमारी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी दैट विल बी एफ डैश दैट विल बी वन अपॉइंट टूवेल्व और ये एम जी के बजाय आए, ये आएगा बच्चों वी रो टू रो सॉरी वी जी टू रो माइनस वन अपॉइंट टू और म्यू का रूट आ जाएगा ठीक है इक्वेशन नंबर वन हो गई ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू ठीक है अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करके एफ डैश का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन टू में अगर इक्वेशन वन का डिवाइड करें तो यहां पर आप लोग देख पाओगे कि ट्वेल्व से कैंसिल हो जाएगा म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा जी से जी कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आपको एम जी का वैल्यू रख देंगे हम लोग वी इंटू रो तो वी से वी भी कैंसिल इट मीन एफ डैश अपॉन एफ एफ डैश अपॉन एफ ये आएगा बच्चों टू रो माइनस वन अपॉन टू रो टू रो माइनस वन अपॉन टू वहां से आ जाएगा और रो यहां से आ जाएगा टू रो का रूट और एफ का वैल्यू है हमारे पास थ्री हंड्रेड इट मीन हियर इट विल बी थ्री हंड्रेड ये रूट के बाहर आएगा ओके okay. देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है थ्री हंड्रेड टू रो थ्री हंड्रेड टू रो माइनस वन अपॉन टू रो और इसकी पावर हाफ ओके सो फ्रॉम वी कैन सी दैट फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ओके बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और अगला प्रश्न हमारा ओके क्वेश्चन नंबर एलेवन और यहाँ पर आपसे कहा गया है ए हैंग्स फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट ए पल्स इज सेट बाय जिगलिंग द बॉटम एंड ठीक है वी हैव टू डिजाइन ए रॉप इन विच द वेलोसिटी वी ऑफ़ द पल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड और जेड यहाँ पर क्या है बच्चों ऊपर वाले पार्ट से जो डिस्टेंस है वो है जेड मतलब उस रोप के किसी भी पॉइंट का ऊपर वाले पॉइंट हैंगिंग पॉइंट से डिस्टेंस ओके डिस्टेंस ऑफ द पल्स फ्रॉम द फिक्स एंड ऑफ द रोप इफ द रॉप इज वेरी लॉन्ग द डिजायर्ड फंक्शन फॉर द मास पर यूनिट लेंथ म्यूज एड इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉप एट जेड इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू आपको दिया गया है म्यू नॉट ठीक है अब आपको यहाँ पर डिजायर्ड फंक्शन फॉर मास पर यूनिट लेंथ यानी आपको म्यूज एड यहाँ पर फाइंड आउट करना है किसके टर्म्स में म्यूनॉट जी वी और जेड की टर्म्स में ओके बच्चों Okay, बच्चों तो अब हम लोग देखते हैं मान लीजिए कि यह है रोप और यह है इसका हैंगिंग पॉइंट ओके okay, तो मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस जेड पर एक छोटा सा पार्ट हमने लिया और इसका लेंथ कितना है बच्चों डी जेड तो इस पार्ट के कारण टेंशन का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी डेल्टा टी डेल्टा टी आएगा बच्चों मास इंटू जी मास इस वाले पार्ट का मास कितना होगा बच्चों पर यूनिट लेंथ का मास म्यू लिया लेंथ डी जेड ठीक है म्यू इंटू डी जेड आ जाएगा ये आ गया इस वाले पार्ट का मास इंटू जी आ जाएगा ठीक है यहाँ तक अब देखो बच्चों जी नीचे की ओर प्लस में लिया गया है लेकिन टेंशन जो है वो जी के बढ़ने पर कम होगा टेंशन का वैल्यू नीचे की ओर जाएंगे तो कम होगा इट मीन्स फ्रॉम ईयर वी कैन टेक इट एज लेट इट इज़ डी टी यहाँ पर यह आएगा बच्चों माइनस में ठीक है बच्चों अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वेलोसिटी की वेलोसिटी होता है बच्चों रूट टी अपॉन म्यू तो यहाँ से आपको टी प्राप्त होगा बच्चों वी स्क्वायर म्यू अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर दें डी टी ये आपको प्राप्त होगा टू वी डी वी म्यू आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा वी स्क्वायर इंटू डी म्यू ठीक है यहां तक अब आपसे कहा है कि वेलोसिटी जो है वेलोसिटी जो है दैट विल नॉट डिपेंड ऑन जेड वो जेड के साथ चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी विल बी कॉन्स्टेंट ईयर इट मीन्स डी वी का वैल्यू यहां पर क्या होगा बच्चों जीरो सो फ्रॉम ईयर डी टी का वैल्यू आपको मिल रहा है कितना आ जाएगा वी स्क्वायर और डी ठीक है यहाँ तक अब डी का वैल्यू यहां से रख दीजिए ये आ रहा है बच्चों म्यू डी जेड इंटू जी आ जाएगा ठीक है ये आ रहा है वी स्क्वायर इंटू डी म्यू डी मू वाला पार्ट सॉरी डी जेड आ रहा है ये ओके डी मू डी मू ठीक है बच्चों अब हम लोग इस डी मू वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं डी जेड वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं सो फ्रॉम ईयर यू विल गेट माइनस जी अपॉन बी स्क्वायर डी जेड आ जाएगा और ये आ जाएगा डी म्यू अपॉन म्यू उसके बाद हम लोग अगर इसको इंटीग्रेट करें जेड जेड का लिमिट जीरो से लेकर जेड तक ले लो ठीक है और म्यू का इसको ले लो आप कहाँ से यहाँ पर म्यू था म्यू नॉट और यहाँ पर लैट इट इज म्यू ओके सो म्यू नॉट से लेकर म्यू तक आ जाएगा अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करें तो so ये प्राप्त होगा बच्चों जी अपॉन बी स्क्वायर ये आ जाएगा जेड लिमिट रखने के बाद और ये आपको प्राप्त होगा बच्चों लोक बेस ई अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट ओके सो फाइनली फ्रॉम ईयर यू विल गेट वैल्यू ऑफ म्यू दैट विल बी म्यू नॉट ई रेज टू माइनस वी स्क्वायर है बच्चों यहाँ पे जी अपॉन बी स्क्वायर इंटू जेड That will be our answer. देखते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है ओके okay, तो ओके लॉक के टर्म्स में और ये आ रहा है ठीक है ठीक है जी अपॉन वी स्क्वायर नहीं नहीं ठीक है तो यहाँ पर ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये सॉरी uh, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है बच्चों। म्यू बराबर म्यू नॉट ई की पावर माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू जेड देखिए म्यू म्यू नॉट ई की बार माइनस जी अपॉन बी स्क्वायर इंटू जेड ओके सो फ्रॉम ईयर वी कैन से दैट आवर फर्स्ट ऑप्शन विल भी राइट आंसर ओके बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और अगला प्रश्न हमारा पैसेज की फॉर्म में और इसके अंदर आपसे कहा गया है इसके अंदर आपसे कहा गया है कि ये प्लान प्रेशर पल्स ट्रैंगुलर इन शेप अप्रोच एज ए रिजिट वॉल अलॉन्ग नॉर्मल एट ए स्पीड ऑफ फोर हंड्रेड मीटर पर सेकेंड एट टाइम इज इट टी

प्रेशर ऑफ 16 पास्कल। अब इस वॉल के ऊपर एक डिटेक्टर है जो मिनिमम 16 पास्कल को डिटेक्ट करता है ठीक है अब देखिए सवाल क्या है? सवाल यह है बच्चों, बार प्रश्न है ये और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि वैन फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेक्टर विल रिकॉर्ड द प्रेशर पास तो बच्चों जाहिर सी बात है कि हमको यहां पर कहा जा चुका है हमको यहां पर कहा गया है कि सिक्सटीन पास्कल को ये डिटेक्ट करता है 16 पास्कल को डिटेक्ट करता है। अब देखो यहाँ पर प्रेशर कितना है 400। तो 16 पास्कल की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे बल्कि 8 पास्कल की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे क्योंकि 8 पास्कल वाला पार्ट जब यहाँ तक जाएगा तब तब प्रेशर विल बी डबल्ड तो यहाँ पर पहुंचने पर वॉल के ऊपर डबल प्रेशर अप्लाई होगा इट मीन सिक्सटीन पास्कल अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा ओके सो फ्रॉम ईयर वी कैन से दैट दिस विल बी एट ओके पास देखो बच्चों परपेंडिकुलर कितना है 100. ये कितना है 50. सो so 100 हंड्रेड अपॉन फिफ्टी यहां की बात करें ये लेंथ कितनी आएगी एट ये लेंथ देख लेते हैं, लेंथ मान लीजिए एक्स है तो एट अपॉन एक्स फ्रॉम हियर वी कैन सी कि एक्स का वैल्यू यहां से आ रहा है फोर मीटर ठीक है इट मीन ये वाला पार्ट जब इस वॉल के पास जाएगा तब यह सिक्सटीन पास्कल सेंस कर पाएगा तो ये लेंथ एक्स का वैल्यू आ गया फोर मीटर ये लेंथ कितनी है बच्चों एटी फोर सॉरी एटी तो टोटल लेंथ का वैल्यू यहां पर क्या हुआ एटी फोर ओके एटी फोर तो आ गई डिस्टेंस स्पीड कितनी है इसकी 400. हंड्रेड ओके सो एटी फोर अपॉन 400 तो so जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे so finally we will get our answer कि इतने के बाद आपको यहां पर हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये आएगा बच्चों 100 और ये टू वन आ, आ जाएगा ओके सो ट्वेंटी वन इंटू टेन डेज टू माइनस टू सेकेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और अगला प्रश्न है कि कितने समय तक संसूचक तरंग को संसूचित करेगा ठीक है बच्चों तो बच्चों हमको पता है कि ओके ओके इसको एक मिनट हम लोग कैंसल आउट नहीं करते हैं कितने टाइम के लिए संसूचक या फॉर हाउ मच टाइम द डिटेक्टर विल रिकॉर्ड द पल्स कितने टाइम के लिए वो प्रेशर को सेंस कर रहा होगा देखो बच्चों यहाँ पर यहाँ पर 16 पास्कल वो सेंस कर लेगा क्योंकि यहाँ पर 8 पास्कल डबल प्रेशर उसको फील होगा सिमिलरली 8 पास्कल यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पर होगा ही होगा जहाँ तक वो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह पूरा पार्ट वो सेंस कर पाएगा ओके और यहाँ पर भी आपने कहा कि लेट इट इज 8 पास्कल तो अगर यहां की बात करें तो यहां से हमको दिख रहा है ये लेंथ कितनी वन ये कितना 100 पास्कल। पास सो फ्रॉम ईयर वी कैन से दैट दिस लेंथ विल बी एट मीटर ओके तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने लेंथ को वो सेंस कर पाएगा या इतने पार्ट को ये वॉल सेंस कर पाएगी तो so, ये लेंथ कितनी हो गई बच्चों 92 हो गई और ये लेंथ कितनी थी uh, यहाँ तक वाली ओके okay? 50 माइनस फोर कितना हो गया 46 प्लस 92, ओके okay? सो so, 46 प्लस 92, कितना आ गया बच्चों 8 और 138, ठीक है तो 138, थ्री यहां से लेकर यहां तक की लेंथ आएगी 138, तो इतनी लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा देखते हैं ओके okay? सो so, 138 डिस्टेंस है स्पीड कितनी है बच्चों फोर हंड्रेड ओके फोर हंड्रेड है इसका डिस्टेंस ओके okay? तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहां पर आपको आ, ये पहले वाला पार्ट था तो यहां पर आपको 138 थ्री एट अपॉन फोर अप्रोक्सीमेटली यहां पर आपको प्राप्त होगा बच्चों ठीक है सोलह Okay? Okay, right okay, अगला प्रश्न और ये पैसेज की फॉर्म में और यहाँ पर आपसे कहा गया कि स्टिल रोड ऑफ टू पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग इज रिजिडली क्लेम डेट इज सेंटर ठीक है एक रोड है और इसको हमने सेंटर के ऊपर क्लेम कर दिया है ठीक है

वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी क्या होगी अगर इस पॉइंट के दोनों साइड के अंदर दो दो प्रस्पंद यानी एंटीनोड मिले तो एस भी नो एस बी वाला पार्ट तो होगा फ्री इट मीन यहां पर तो डेफिनेटली एक एंटीनोड बनेगा ही एक और एंटीनोड की ये बात कह रहा है मतलब कुछ इस फॉर्म में हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा ठीक है बच्चों अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी <laughs> की तो बच्चों फ्रीक्वेंसी होता है बी अपॉन लेमडा आ जाएगा अब देखो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक लेमड़ा कंप्लीट हो गया ये लेमड़ा बाई फोर लेमडा बाई फोर ठीक है सो लेमडा प्लस लेमडा बाई टू यानी थ्री लेमडा बाई टू हो गया सो थ्री लेमडा बाई टू ये हो गई बच्चों इसकी एल के बराबर सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट लेमड़ा का वैल्यू इट विल बी ट्वेल्व अपॉन थ्री ठीक है तो so, ये आएगा वी ये आएगा ट्वेल्व और थ्री आ जाएगा ऊपर ठीक है बच्चों तो अब देखो यहां पर वी और एल का वैल्यू है हमारे पास देखते हैं v का है, आ, v का वैल्यू वैल्यू है निकाल सकते हैं हम लोग वी वी होता है बच्चों वाई अपॉन रो का रूट ओके वाई का वैल्यू है हमारे पास टू इंटू टेन रेस टू इलेवन रो का वैल्यू एट थाउजेंड ओके सो फ्रॉम ईयर ये आ रहा है बच्चों वन बाई फोर और ये आएगा ट रेस टू एट यानी टेन रेस टू फोर ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा टू ये आ रहा है वी और लेंथ है हमारे पास टू पॉइंट फाइव तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा थ्री वी का वैल्यू टेन रेस टू फोर अपॉन टू और ये आ रहा है टू लेंथ का वैल्यू टू पॉइंट फाइव okay ओके बच्चों तो यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन में या यूं कहें कि एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा ये आएगा बच्चों टेन अब देखो बच्चे यहां पर आ, ये आ गया बच्चों सो ठीक है ये आ रहा है टेन तो ये आएगा थ्री ओके सो इट विल बी थ्री सो थ्री थाउजेंड आंसर होगा हमारा ओके सो so, ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है ओके सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और अगला प्रश्न हमारा बच्चे यहाँ पर अब बच्चों यहां पर आपसे कहा गया है कि फंडामेंटल मोड में अगर वाइब्रेट करे ठीक है देन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्टिल पार्टिकल इन इट्स वाइब्रेशन विल बी ओके मूल स्थिति में कंपन के समय प्रस्पंद पर आयाम का मान इतना है तो स्टिल कणों के कंपन के अधिकतम वेग का मान अब कणों के यानी माध्यम के अधिकतम वेग का वैल्यू पूछ रहा है तो v मैक्सिमम ये क्या होता है बच्चों a इंटू ओमेगा ठीक है तो a का वैल्यू है हमारे पास एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड का वैल्यू है टू इंटू टेन डेज टू माइनस सिक्स ठीक बात है ओके okay? ओमेगा इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों टू बाई एफ तो अब हमें यहाँ पर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी देखनी पड़ेगी तो बच्चों एज बी नो कि यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी uh, क्या होगी बच्चों फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की बात करें सो so ये आएगा कुछ डायग्राम ऐसा ओके इट मीन्स नाउ दिस इज़ लेमडा बाई टू ओके इट मीन्स वेवलेंथ जो है वो पहले से लेमडा बाई टू आएगी बच्चों ओके लेमडा बाई टू बराबर एल आ जाएगा तो यहाँ से लेमड़ा का वैल्यू ट्वेल्व आ जाएगा तो लेमड़ा होता है बच्चों वी अपॉन एफ ठीक है तो यहाँ से डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि इस बार जो फ्रिक्वेंसी आएगी फंडामेंटल वाली वो पहली वाली फ्रिक्वेंसी की बाई थर्ड होगी जाहिर सी बात है क्यों क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि f ये आएगा वी अपॉइन टूएल्व पहले था यहाँ पर थ्री वी अपॉइन टूएल्व अब इट मीनस ये फ्रीक्वेंसी उसकी वन बाई थर्ड होगी इट मीन्स नाउ इस केस के अंदर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा वन थाउजेंड डर्स क्योंकि पहले था है थ्री थाउजेंड डर्ट्स ओके तो अब हम लोग इसका वैल्यू यहाँ रख कर देख लेते हैं टू पाई तो ये बन गया बच्चों फोर पाई और ये आ रहा है टेन डेज टू माइनस सिक्स ये आ रहा है टेन डेज टू थ्री ओके तो फोर पाई इंटू टेन डेज टू माइनस थ्री ये आएगा बच्चों थ्री पॉइंट वन फोर ओके सो इट विल बी 12.5 10 रे टू -3 सॉल्व करने पर आपको प्राप्त होगा 1.25 10 रे टू -2 ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर दैट विल बी बी मैक्सिमम ऑफ मीडियम पार्टिकल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और यहाँ पर अब स्टार्ट हो चुका है बच्चों मोर देन 1 करेक्ट वाले तो पहला प्रश्न इसके अंदर कहा गया है कि जब यहाँ पर आपसे कहा गया है एयर बबल मूव फ्रॉम बॉटम ऑफ ए तो बच्चों पता है कि जब बॉटम से ऊपर की ओर जाएगा तो उस बबल में क्या है बच्चों एयर है डेंसिटी क्या होगा उसका पानी से कम है ओके okay? डेंसिटी कम है तो जेड से बात है कि वो ऊपर की ओर ही जाएगा विस्कस फोर्स कहां लगेगा बच्चों नीचे की ओर ओके तो जब यहां से स्टार्ट होगा तो ऊपर की ओर जाते जाते क्या होगा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा तो नीचे की ओर फोर्स आ रहा है mg जी प्लस सिक्स पाई ईटा आर ऊपर की ओर फोर्स बाय फोर्स आएगा सिक्स बाई ईटा आर ठीक है तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि ऊपर की ओर जब जा रहा है तो इसका वेलोसिटी ओके okay, बच्चों तो ये वाला जो समीकरण होगा ये कब होगा जब टर्मिनल वेलोसिटी इसने गेन कर ली होगी लेकिन उसके पहले ऊपर की ओर जो तो फोर्स है बायट फोर्स वो ज़्यादा होगा एम से और विस्कस फोर्स से इट मीन्स एक्सलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पर आएगा नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना लग रहा है बी नीचे की ओर एम विस्कस फोर्स नीचे की ओर सिक्स बाई ईटा आर वी सिक्स बाई ईटा आर वी आ जाएगा ठीक है और नीचे टोटल मास अब देखो बच्चों जब एक्सलरेट हो रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा बढ़ता जाएगा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू या यूं कहें कि ये वैल्यू बढ़ता जा रहा है इट मीनस एक्सलरेशन का क्या हो रहा है बच्चों वैल्यू कम हो रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है माइनस का साइन है एक्सलरेशन कम होगा ओके okay? तो सब सबसे पहले हम लोग बात करता है एक्सलरेशन की एक्सलरेशन डिक्रीजेज एंड बिकम्स जीरो जीरो कब होगा बच्चों जब इसने टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर ली होगी तब इसका वेलोसिटी या इसका जो है दैट विल बी जीरो और अगर वेलोसिटी की बात करें बच्चों तो इसका वेलोसिटी एक्सलरेशन के कारण बढ़ता जाएगा और फिर एक टाइम पे कांस्टेंट होगा दैट विल बी टर्मिनल वेलोसिटी सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इट्स वेलोसिटी इनक्रीजेड एंड बिकम्स कॉन्स्टेंट और साथ ही साथ एक्सलरेशन डिक्रीज होगा एंड बिकम्स जीरो सो फ्रॉम फ्रॉमर वी कैन से दैट फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर ओके बच्चों इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया कि एन लिक्विड इच ऑफ इच विथ सरफेस एनर्जी ई जॉइंट टू फॉर्म है सिंगल ड्रॉप तो यहाँ पर एक ड्रॉप की एनर्जी कितनी है ई e. तो एन ड्रॉप की होगी एन ठीक है बच्चों और अगर बहुत सारी ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप अगर बनाते है तो उस केस के अंदर उसका जो सरफेस एरिया है विल डिक्रीज सरफेस सरफेस एरिया इनटू टी टेंशन ये होती है बच्चों एनर्जी सरफेस एनर्जी सो एरिया अगर कम हो गया एनर्जी भी कम हो जाएगी इट मींस uh, बड़ी वाली बूंद की जो सरफेस एनर्जी है दैट विल बी लेस देन सरफेस एनर्जी ऑफ दिस means इट will be विल बी release. रिलीज so सो will विल बी energy रिलीज इन दिस प्रोसेस इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा मुक्त होगी अब कितनी होगी ये भी हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो बच्चों स्टार्टिंग में एनर्जी क्या थी एनी अब कितनी होगी एस बी नो की बड़ी वाली बूंद की त्रिज्या होती है आ, आर एन की पावर वन बाई थ्री तो हमें चाहिए बड़ी वाली बूंद की एनर्जी कितनी आएगी बच्चों सरफेस टेंशन इंटू फोर पाई आर स्क्वायर आ जाएगी तो इसको मैं लिख सकता हूं टी इंटू फोर पाई आर स्क्वायर और एन की पावर टू बाई थ्री ठीक है अब देखो बच्चों यहाँ पर एन ई क्या आया एन ई ये आ रहा था बच्चों एन ई टेंटू फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर ठीक है तो ई का वैल्यू क्या है बच्चो टी इंटू फोर पाई आर स्क्वायर टी इंटू फोर बाई आर स्क्वायर ये हमारा ई सो इट मीनस इट विल बी एंड टू टू बाई थ्री इंटू ई ये है बड़ी वाली बूंद की एनर्जी ओके सो एनर्जी जितनी रिलीज हुई वो आएगी स्टार्टिंग वाली एनर्जी माइनस बाद वाली एनर्जी ओके सो फ्रॉम ईयर वी विल टेक ई कॉमन सो ई अगर कॉमन लिया तो ये आएगा हमारा आंसर ओके सो फ्रॉम ईयर वी कैन से दैट फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और अगला सवाल है हमारा तीसरा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि इस डायग्राम में जिस इस डायग्राम में जिस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट ए और बी है उसके हिसाब से यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही होने चाहिए जाहिर सी बात है कि ए ऊपर की ओर जाने का ट्राई कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे डेंसिटी ऑफ ए विल बी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ऑब्जेक्ट भी नीचे की ओर जाने का ट्राई कर रहा है लेकिन ए उसकी हेल्प कर रहा है रुकने में ओके okay? तो यहां पर हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहां तक तो ठीक है ओके okay? ए जो है वो कम होगा और बी ज्यादा होगा अब बात कर लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ए और बी की डेंसिटी के बीच रिलेशन क्या होगा तो बच्चों ये अगर रेस्ट में है तो बाई एंड फोर्स ऊपर की ओर एम जी नीचे की ओर बाई एंड ये आएगा बच्चों वी इंटू रो इंटू जी वॉल्यूम टू वी हो जाएगा वी और बी ठीक है रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी आ जाएगा और हम लोग बाई एंड ऊपर की ओर एम जी कहाँ आ रहा है नीचे की ओर एम जी वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ ए इंटू जी ये आ गया इसका एम जी इसकी बात करें वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बी इन टू जी आ जाएगा बी से बी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा जी से जी भी यहाँ पर कैंसिल तो यहाँ पर आ रहा है टू रो एफ बराबर रो ए प्लस रो बी ओके सो फ्रॉम हियर वी से फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और अगला प्रश्न है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन और इसके अंदर आपसे क्या कहा गया है मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ वन मीटर इज रिजिटली क्रैम्ड एट इट्स मिड पॉइंट ठीक है लॉन्गिट्यूड स्टेशनरी रोड इन सच एट देर आर टू नोड ऑन इधर साइड ऑफ मिड पॉइंट ठीक है एम्पलीटूड ऑफ द एंटी नोड इज टू इंटू टेन डेज टू माइनस सिक्स मीटर यंग्स मॉडुलस है डेंसिटी हमारे पास अब आपसे यहाँ पर कहा गया है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन या स्टेटमेंट सही हैं तो बच्चों यहाँ पर सभी ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि इक्वेशन जो है वो दी गई है क्या कहा गया इक्वेशन ऑफ मोशन एट ए पॉइंट टू सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट इज दिस वन तो बच्चों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है तो ये होगा हमारा एम्पलीट्यूड जो कि हमको दिया गया है ठीक है तो ये है हमारा टू ए साइन के एक्स के एक्स है फाइव पाई एक्स और ओमेगा टी ओमेगा है बच्चों दिस मच पच्चीस इंटू टेन डेच टू थ्री इंटू फाइव तो हम लोग यहाँ पर के और ओमेगा का वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं ओके क्योंकि चारों ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करने हैं तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं के hmm. की बात कर लीजिए पहले के क्या होता है बच्चों टू पाई ए पन लेमडा होता है ओके okay, सो so अगर के की बात करें तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि टू नोड्स आर देयर दो नोड बनते हैं तो इसका जो डायग्राम आएगा एक नोड यहाँ दूसरा नोड यहाँ और यहाँ पर तो डेफिनेटली एंटी नोड ही होगा यहाँ पर एक नोड आ जाएगा दूसरा नोड यहाँ यहाँ एंटी नोड आ जाएगा ठीक है बच्चों, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेमड़ा 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 बाई फोर लेमड़ा बाई फोर ओके टू लेमड़ा प्लस लेमड़ा बाई टू इट मीन्स टू पॉइंट फाइव लेमड़ा इट विल भी इक्वल टू द एल सो फ्रॉम ईयर वी कैन पाइंड आउट लेमड़ा का वैल्यू लैमड़ा का वैल्यू यहाँ पर आएगा बच्चों एल अपॉन टू पॉइंट फाइव एल का वैल्यू कितना दिया गया बच्चों वन मीटर ओके सो वन अपॉन टू पॉइंट फाइव ये आ गया बच्चों लेमड़ा का वैल्यू इसको हम लोग अगर यहाँ रख दें तो के का वैल्यू आपको मिल जाएगा टू पाई अपॉन लैमड़ा वन अपॉन टू पॉइंट फाइव इट मीन्स टू पॉइंट फाइव विल बी हियर सो टू पॉइंट फाइव इंटू टू इट मीन्स इट विल बी फाइव पाई के का वैल्यू फाइव पाई आ रहा है ठीक है बिल्कुल ठीक है यहाँ तक तो जबकि ऑप्शन नंबर फोर्थ में के का वैल्यू आ रहा है टेन एक्स इट मीन्स ये वाली इक्वेशन गलत होगी इसके चांस ज़्यादा हैं अब बात कर लेते हैं हम लोग ओमेगा की ओमेगा हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे करेंगे बच्चों देखो बच्चों क्या होता है ओमेगा फ्रॉम ओमेगा विल बी बी इन टू के वी का वैल्यू हम लोग यहां पर वाई अपॉन रोज से फाइंड आउट कर सकते हैं और के का वैल्यू हमको मिल चुका है फाइव पाई ओके तो वाई अपॉन रोज से हम लोग अगर देखें तो वाई का वैल्यू है हमारे पास टू इंटू टेन डेज टू इलेवन और डेंसिटी भी है हमारे पास एट थाउजेंड ओके ठीक है सो so, ये आएगा बच्चों टू इंटू टेन डेज टू इलेवन अपॉन एट थाउजेंड और इसका रूट कर देंगे और 5 पाई यहाँ से आ रहा है इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें डेफिनेटली ये आएगा 10 डेज टू 8 आ जाएगा ये आ जाएगा फोर इट मीन्स टेन डैस टू फोर अपॉन टू आ जाएगा ये आ जाएगा फाइव पाई इट विल बी टू पॉइंट फाइव ओके टू पॉइंट फाइव पाई टेन डैस टू फोर इट मीन्स ये आएगा बच्चों पच्चीस पाई इंटू टेन डैस टू थ्री ओमेगा का वैल्यू पच्चीस पाई इंटू टेन डेज टू थ्री देखते हैं ओके पच्चीस पाई इंटू टेन डैस टू थ्री सही है बिल्कुल इट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट आर फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में आपसे कहा गया है कि यहाँ पर किसी एक घटक तरंग का समीकरण होगा ये समीकरण दिया गया है और इसके नीचे दिया गया है बच्चों ये वाला समीकरण ठीक है बच्चों ओके बच्चों okay बच्चो, तो हम लोग यहाँ पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि अगर हमें ये वाली इक्वेशन चाहिए जाहिर सी बात है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो बिल्कुल अपोजिट फेज या उनकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी अपोजिट ओके okay? तो अगर हमें ये वाली इक्वेशन चाहिए डेफिनेटली अगर हम लोग ऑप्शन टू और ऑप्शन थ्री को देखें तो ऑप्शन टू वाली इक्वेशन वाई वन और ये वाली इक्वेशन इन दोनों को ऐड करने पर हमें डेफिनेटली ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी तो इस प्रकार से आप लोग डायरेक्टली इसको देख सकते हैं कि ये यानी सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन के जो कंपोनेंट्स है वो इस वेव के कंपोनेंट्स होंगे ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी एडेड इन दोनों को एड करने पर आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी इट मीन फ्रॉम हियर वी कैन से दैट सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट ऑप्शन आर करेक्ट आंसर ओके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और ये हमारा पांचवा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है इसके अंदर आपसे कहा गया है कि फिगर शोस टू पॉइंट ऑफ़ एस वन एंड एस टू ये हमारे दो हैं टू सोर्स एमिट वेव इन द फेस एट वेवलेंथ ऑफ जीरो पॉइंट फाइव मीटर दे आर सेपरेटेड बाय पॉइंट सेवन फाइव मीटर इफ वी मूव ए साउंड डिटेक्टर अलोंग ए लार्ज सर्किल सेंटर एट द मिड पॉइंट बिटवीन द सोर्से चूज द करेक्ट स्टेटमेंट तो ये है बच्चों दो सोर्स और इसके चारों और हमने एक सर्किल लिया तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा आपको यहाँ पर मिलेंगे देखते हैं आ, करते हैं सॉल इसको सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया सर्किल ड्रॉ किया और यहाँ पर ये यह एक सोर्स S1 रखा दूसरा रखा S2 और इन दोनों के बीच का गैप कितना बच्चों गैप दिया हुआ है 1.75 मीटर गैप दिया हुआ है 1.75 मीटर ठीक है और और क्या वेबलैंथ है 0.5 0.5 मीटर मीटर का वैल्यू आपको दिया गया है ठीक है ठीक बच्चों तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा कितने प्राप्त होंगे तो बच्चों एसबिन हो कि अगर हम लोग इसके बिल्कुल मिड वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको मैक्सिमा मिलेगा ही जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है जीरो उसके बाद पाथ डिफरेंस होगा लैमड़ा टू लैमडा थ्री लेम्बड़ा इन सब के लिए भी आपको मैक्सिमा मिल जाएगा और यहां से लेकर यहां तक इन दोनों के इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस की बात करें तो ये आएगा बच्चों वन पॉइंट सेवन फाइव इटमीन्स जीरो से लेकर इट मीन जीरो से लेकर वन पॉइंट सेवन फाइव तक आपको कितने मैक, मैक्सिमा मिल रहे हैं देखो बच्चों लेमड़ा का वैल्यू कितना पॉइंट फाइव मान लीजिए कि यहां पर आपको पात डिफरेंस मिल रहा है पॉइंट फाइव फिर पॉइंट फाइव का डबल कर दो वन फिर वन पॉइंट फाइव लेकिन फाइव से अगर ज्यादा किया आपने अगर फोर लैमड़ा लिया तो उस केस में ये वन पॉइंट सेवन फाइव को क्रॉस कर जाएगा विच विल नॉट बी पॉसिबल ऐसा ही आपको यहाँ पर तीन मैक्सिमा मिल जाएंगे तीन यहां पर और तीन यहां पर ठीक है अब देखो बच्चों टोटल अगर मैक्सिमास की बात करें तो यहां पर थ्री यहां पर थ्री यहां पर थ्री और यहां पर थ्री ये तो ठीक है तो तीन छ नौ बारह बारह तो आ गए यहां पर लेकिन ये पॉइंट अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर भी और यहां पर भी आपको मैक्सिमा मिल जाएगा यहां पर आपको मैक्सिमा नहीं मिलेगा ओके okay, बच्चों तो दो पॉइंट ये आ जाएंगे इट मीन फोर्टीन पॉइंट विल बी देयर जहां पर ये रेस सेम फेज के अंदर इंसिडेंट होंगी मैक्सिमा आपको मिल जाएगा और आपको पता है कि हर दो मैक्सिमाज के बिल्कुल बीच में एक मिनिमा भी मिलता है तो जितने यहाँ पर मैक्सिमा होंगे उतने ही यहाँ पर मिनिमा भी होंगे ओके सो फोर्टीन मैक्सिमा एंड फोर्टी मिनिमा विल बी देयर ओके तो देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहे हैं यहाँ पर आपसे कहा गया है कि नंबर ऑफ पॉइंट उन बिंदुओं की संख्या पर विपरीत कला में पहुंचती है फोर्टीन ठीक है समान कला में सात विपरीत कला में सात गलत फोर्टीन एंड फोर्टीन इट मीन ऑप्शन वन एंड टू विल बी राइट आंसर बढ़ता है अगले प्रश्न की ओर और, और यह हमारा अगला प्रश्न ओके okay, बच्चों तो यह हमारा छठा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया कि स्टैंडिंग वेव ऑफ टाइम पीरियड टी इज सेट अप इन ए स्ट्रिंग क्लैम्प बिटवीन टू रिजिट सपोर्ट तो क्लैम्स के बीच में एक स्ट्रिंग जो है उसको फिक्स किया गया है और इसके अंदर स्टेशनरी वेव जनरेट की गई है स्टैंडिंग वेव ओके और एंटी नोड का जो एम्बलीट्यूड है वो है टू ए ठीक है बच्चों अब आपसे यहाँ पर कहा गया है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे फर्स्ट वाला है द एनर्जी ऑफ ए नोड इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एंटी नोड फॉर द फर्स्ट टाइम एज वी नो कि नोड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ज़ीरो होता है और उसका वेलोसिटी क्या होता है ज़ीरो होता है तो जाहिर सी बात है कि नोड और नोड की एनर्जी सेम नहीं हो सकती ओके जफ्राम ईयर एनर्जी बराबर होगी नहीं होगी बराबर होगी प्रस्पंद और निस्पंद की नहीं होगी थर्ड ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एंटी नोड इज टी बराबर टी बाई एट रूट टू के तो बच्चों इसको हम लोग देख सकते हैं ये आएगा टू ए साइन ओमेगा टी से ये आएगा टू ए साइन ओमेगा होता है टू बाई अपी और टी का वैल्यू टी बाई एट ओके तो टी से टी यहाँ पर कैंसिल आ गया पाई बाई फोर सो ये आएगा टू ए साइन पाई बाई फोर वन अपॉन रूट टू सो इट विल बी रूट टू ए बिल्कुल ये लाइन और निस्पंद पर कण का विस्थापन शून्य होता है सही बात है निस्पंद यानी नोड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो सही है इट मीन फ्रॉम ईयर वी कैन से दैट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और ओके बच्चों तो ये हमारा अगला प्रश्न है यानी सातवां प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग दैट बोथ एंड्स विच स्टेटमेंट्स आर राइट ओके तो देखते हैं ठीक है? है यह ये पर आपसे कह रहा है कि सभी पार्टिकल्स एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पर आते हैं क्या simultaneously, एक साथ, नहीं आते भाई हमको पता है कि अगर स्टैंडिंग वेव बन रही है तो जब आधे पार्टिकल्स ऊपर होंगे तो आधे नीचे भी होंगे फिर ये ऊपर जाएंगे और ये नीचे आएंगे मतलब एक साथ सभी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर नहीं होंगे ओके okay? गलत स्टेटमेंट है उसके बाद आता है ऑल द पार्टिकल्स मस्ट बी एट दअर पॉजिटिव एक्सट्रीम सैमल टेनस दंस इन ए टाइम पीरियड एक टाइम पीरियड में सभी पार्टिकल्स अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर आते हैं ये तो सही है क्यों देखो बच्चों एक टाइम पीरियड में पार्टिकल यहाँ जाएगा फिर वापस यहाँ पर आएगा ठीक है लाइक like दिस जो पार्टिकल यहां पर है वो यहां पर आएगा फिर यहां पर आ जाएगा यहां वाला यहां पर आएगा फिर वहां पर आ जाएगा इट मीन एक टाइम पीरियड में सभी अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर एक एक बार पहुंच जाते हैं ओके okay? ठीक है बिल्कुल आवर्त काल में एक बार सारे कर्ण अपन सर ओके ओके ऑल द पार्टिकल मस्ट बी एट देर पॉजिटिव एक्सट्रीम्स ओके 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 बच्चों यहाँ पर आएगा सारे कण अधिकतम ओके okay, बच्चों फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट और यहाँ पर आपसे कहा गया कि ऑल द पार्टिकल्स मस्ट बी एट देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम साइमल्टेनियसली वंस इन ए टाइम पीरियड बच्चों एक साथ कभी भी सभी अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर नहीं आएंगे एक साथ की बात कर रहा है बच्चों ओके okay? एक साथ की बात कर रहा है एक साथ नहीं आएंगे एक होगा पॉजिटिव पर तो एक होगा नेगेटिव एक्सट्रीम पर ओके इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी गलत होगा उसके बाद आता इन वन टाइम पीरियड ऑल द पार्टिकल्स आर साइमल्टेनियसली एट रेस्ट ट्वाइस एक आवर्तकाल काल में सभी कण एक साथ दो बार स्थिर अवस्था को प्राप्त होते हैं। सही बात है स्थिर अवस्था में दो बार आते हैं कैसे जो पार्टिकल यहां पर है रेस्ट में है वो अभी उसके बाद यहां पर ठीक है रेस्ट में आएगा एंड देन दिस ओके तो यहां से लेकर यहां तक एक राउंड यानी टी टाइम में दो बार रेस्ट में आ चुका है सही बात है ऐसे ही हरे एक पार्टिकल ये वाले दो बार रेस्ट में आएंगे ओके okay? सारे कण एक दो बार स्थिर अवस्था को प्राप्त होते हैं बिल्कुल एक साथ रे, रेस्ट में आते हैं सभी एक टाइम पीरियड में दो बार ओके okay, बच्चों और ये वाले जो पार्टिकल्स हैं नोड पर ये तो रेस्ट में ही होते हैं ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन से इन वन टाइम पीरियड ऑल द पार्टिकल साइमल टेनेसली ट्वाइस सही बात है उसके बाद है ऑल द पार्टिकल्स आर नेवर एटरेस्ट साइमल टेनेसली गलत स्टेटमेंट है सभी पार्टिकल्स एक साथ रेस्ट में आते हैं कुछ यहां पर होंगे कुछ यहां पर होंगे कुछ यहां पर होंगे ठीक है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ओनली थ्री यानी थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ओके बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर ओके okay, बच्चों, तो ये हमारा आठवां प्रश्न और यहां पर आपसे कहा गया इन फिगर है रिफ्लेक्टिंग बॉल ए बी ये हमारी रिफ्लेक्टिंग बॉल साउंड डिटेक्टर डी इंटरप्रेट साउंड रे आर वन ट्रेवलिंग डायरेक्टली फ्रॉम एस वन ये हमारी आर वन वेव एंड

ऑफ़ एंड एट इस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए जो फ्रीक्वेंसी uh, है वो कितनी होनी चाहिए व्हाट विल बी द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी तो बच्चों सिंपल सा है कैसे करेंगे सॉल्व सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका जो पाथ डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर लेंगे और अगर पाथ डिफरेंस जो है उसको हम लोग लेमड़ा बाई टू के बराबर कर दे तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको मिल जाएगा क्यों क्योंकि लेमड़ा बाई टू का पाथ डिफरेंस जो है ये वॉल पहले से ही जनरेट कर रही है ठीक है तो लेमड़ा बाई टू प्लस लेमड़ा बाई टू मतलब लेमड़ा का पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाएगा देखिए बच्चों अब हम लोग यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस उसकी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो मान लीजिए इसको मैं ले गया यहाँ तक ठीक है अब ये लेंथ और ये लेंथ अप्रोक्सीमेशन में सेम है ठीक है तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि इस वाले पाथ का कंपन कंपनसेशन मैंने यहाँ पर कर दिया है ठीक है तो यहां पर एक सोर्स एस वन मान लीजिए और यहाँ पर एक सोर्स एस टू मान लीजिए ठीक है बच्चों और ये एंगल मान लीजिए यहाँ पर है थीटा अब हमें यहाँ पर चाहिए पाथ डिफरेंस तो इस पॉइंट से इस रे के ऊपर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया है ठीक है बच्चों तो अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ से आपको ये पाथ डिफरेंस का वैल्यू मिल रहा है कितना मिलेगा बच्चों डेल्टा uh, एक्स यही है ना आपको ये हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स अब देखो बच्चों ये है टू ये भी टू टोटल लेंथ हो गई बच्चों फाइव ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि ये है हमारा हाइपोटेनस ये है बेस ये है परपेंडिकुलर तो ये होगा हाइपोटेनस कॉस थीटा इट मीनस फाइव कॉस थीटा तो डेल्टा एक्स यहाँ पर आ रहा है बच्चों फाइव कॉस थीटा ठीक है बच्चों तो यहाँ से हमको पाथ डिफरेंस मिल चुका है अब हम लोग इसको लेमडा बाई टू के बराबर रख देंगे तो यहाँ से आपको मिल रहा है फाइव कॉस थीटा बराबर लेमड़ा बाई टू तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टू इंटू फाइव कॉस थीटा बराबर लेमड़ा ओके सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द फ्रिक्वेंसी कैसे लेमडा को आप लोग लिख दीजिए वी एफ और ये आएगा टेन कॉस थीटा ठीक है यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड जनरली हम लोग लेते हैं तीन सौ चालीस के आसपास ओके तो स्पीड ऑफ साउंड वी विल टेक थ्री हंड्रेड फोर्टी मीटर पर सेकेंड ओके सो फ्रॉम ईयर वी कैन फाइंड आउट अब प्रॉब्लम है कॉस्ट थीटा का कैसे करेंगे फाइंड आउट सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं टें थीटा की टेंथ थीटा जहाँ पर हो, होगा हो बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर कितना है साढ़े बारह बेस कितना है बच्चों बीस प्लस पाँच पच्चीस ओके सो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये इसका हाफ है इट मीनस परपेंडिकुलर अपॉन अपऑन बेस आएगा वन बाई टू सो फ्रॉम ईयर वी कैन फाइंड आउट कॉस थीटा का वैल्यू कैसे हम लोग अगर इसका एक ट्राइंगल ड्रा कर लें अगर हम लोग इसका एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें तो उससे आपको मिल जाएगा टेन थीटा न टू यह आएगा बच्चों रूट फाइव सो फ्रॉम ईयर कॉस्ट थीटा का वैल्यू आ रहा है बेस अपॉन हाईपोटन मतलब टू अपॉन रूट फाइव आ जाएगा और टू अपॉन रूट फाइव का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर कॉस्ट थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख दे तो आपको यहाँ से एफ का वैल्यू मिल जाएगा ओके okay बच्चों तो देखते हैं एफ का वैल्यू क्या प्राप्त होगा सो so एफ आपको यहाँ पर प्राप्त होगा वी का वैल्यू कितना तीन सौ चालीस ओके और टेन यहाँ पर आ गया और कॉस थीटा का वैल्यू टू अपॉन रूट फाइव आ रहा है ठीक है बच्चों तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे ऑप्शन so okay? में चेक कर लेते हैं कि चालीस के आसपास आंसर कौन सा है ओके okay? तो देखते हैं थर्टी नाइन पॉइंट थ्री इन ओके सर फ्रॉम ईयर वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ओके बच्चो तो ये हमारा अगला क्वेश्चन का पैसेज और यहाँ पर आपसे कहा गया कि एक डिटेक्टर डिटेक्टर एट एक्स जीरो रिसीव वेव फ्रॉम थ्री सोर्सेज इज ऑफ एट एंड फ्रीकेंसी प्लस टू एफ एंड एफ माइनस टू ओके और इन वेव्स mm, की जो इक्वेश्स है वो आपको यहाँ पर दी गई है ओके और आपसे प्रश्न किया गया है कि विच ऑफ द अल्टरनेटि आर राइट ओके बच्चों तो हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि वास्तव में मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी कितने टाइम पर होगी इंटेंसिटी की बात हमको यहाँ पर करनी है तो सबसे पहले हमको एज बी नो कि हमें वाई नेट का वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ पर वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री इन तीनों को ये जो इक्वेशन्स आपको यहाँ पर दी गई हैं इन्हें ऐड करना पड़ेगा ये वाली और इन्हें ऐड करने पर आपको y नेट का वैल्यू बच्चों मिल जाएगा ए साइन टू पाई टी ओके क्योंकि हम लोग पता है कि यहां पर साइन एस प्लस भी आएगा और यहां पर साइन ए कॉस भी माइनस को है, साइन भी आएगा तो कुछ पार्ट यहां पर कट जाएगा और इन तीनों को ऐड करने पर फाइनली आपको इस फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी ओके okay बच्चों टू cos फोर पाई टी प्लस वन ये आएगा बच्चों आपका वाई नेट ठीक है बच्चों अब हमें यहाँ पर पता करना है कि इंटेंसिटी कब होगी मैक्सिमम और कब होगी मिनिमम तो बच्चों ये तो है बच्चोंसी वाला पार्ट तो हम लोग बात करें तो एम्प्लीटूड वाला पार्ट हमारा ये होगा ठीक है तो एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम होगा जाहिर सी बात है कि उसका स्क्वायर करने पर इंटेंसिटी प्राप्त होती है इट मीनस हमको एम्पलीट्यूड प्लस और माइनस दोनों ही कंसिडर करने पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम इंटेंसिटी की तो उसके लिए टू कॉस फोर पाई टी प्लस वन इसका वैल्यू होना होना चाहिए जीरो ओके सो फ्रॉम हियर वी विल सी कि कॉस फोर पाई टी का वैल्यू मिल जाएगा आपको माइनस वन बाई टू जो होता है बच्चों टू पाई बाई थ्री ओके टू पाई बाई थ्री यानी वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री वहां पर होता है माइनस वन बाई टू तो यहां से हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे देखते हैं देखिए बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चों फोर बाई टी दैट विल बी ओके 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 मैं एक मिनट बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस टू पाई बाई थ्री ठीक है अब ठीक है तो कॉस कॉस को हमने यहाँ पर हटा दिया है तो ये आएगा बच्चों टू बाई एन प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एन की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए लेकिन पहले हम लोग यहाँ पर टी अच्छा यहाँ पर पाई से पाई हो रहा है कैंसिल आउट तो यहाँ पर टी का वैल्यू जो आपको मिल रहा है वो है बच्चों एन बाई टू प्लस माइनस Uh, या, या आएगा बच्चों वन बाई सिक्स ओके okay बच्चों तो अब आप लोग यहाँ पर एन का वैल्यू लेके चेक कर सकते हो कि किस किस टाइम के ऊपर इंटेंसिटी का वैल्यू मिनिमम होगा एन का वैल्यू लिया जीरो टी का वैल्यू वन बाय सिक्स आ रहा है एन का वैल्यू लिया बच्चों वन uh, तो उस केस में एक बार हम लोग लेंगे प्लस का साइन एक बार लेंगे माइनस का साइन सो वन से तो हमको यहाँ पर पता है कि माइनस में टाइम आएगा छोड़ दीजिए उसको अब एन का वैल्यू जब हमने लिया यहां पर प्लस में तो ये एन का वैल्यू वन बाई टू और ये आ रहा है वन बाई सिक्स तो मैं इसको सिक्स और इसको थ्री कर सकता हूं तो फोर बाई सिक्स मतलब ये आएगा टू बाई थ्री टाइम ओके लाइक like दिस हम लोग यहां पर टी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एन का वैल्यू जीरो वन टू थ्री रख रख के तो उससे आपको पहला तो प्राप्त हुआ वन बाई सिक्स पर दूसरा टू बाई थ्री टाइम पर तो हम लोग ऑप्शन एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में वन बाई सिक्स टू बाई थ्री ठीक है वन बाई सिक्स भी आ रहा है टू बाई थ्री भी आ रहा है ठीक बात है और वन बाई थ्री और फाइव बाई सिक्स भी आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं एन का अलग अलग वैल्यूज रख के ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो किन किन समय पर होगी तो बच्चों वो भी हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आपको पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हम लोग ओके okay. उसके लिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है इसका वैल्यू आपको मिलना चाहिए बच्चों ओके बच्चों तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आपको इसका वैल्यू लेना होगा प्लस माइनस वन ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट कॉस फोर पाई टी दैट विल बी प्लस माइनस वन ओके क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इंटेंसिटी की एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इसलिए प्लस और माइनस दोनों ही हमको यहाँ पर कंसिडर करने पड़ेंगे ओके okay, बच्चों तो एज वी नो की कॉस फोर पाई टी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा बच्चों कॉस एन पाई ठीक है तो कॉस से कॉस यहाँ पर हट जाएगा फोर पाई टी या आ रहा है बच्चों एन पाई पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा का वैल्यू का वैल्यू आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है एन बाई फोर अब हम लोग यहाँ पर एन का वैल्यू जीरो वन टू थ्री की फॉर्म में लेकर चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है या नहीं है ओके ठीक है एन का वैल्यू लिया बच्चों आ आ आ जाएगा 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 लिया okay, so से तो जाहिर सी बात है कि थर्ड और फोर्थ जो इनके अपोजिट है वो गलत होंगे ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ऑप्शन वन एंड टू विल बी आवर करेक्ट आंसर ओके बच्चो तो ये हमारा दसवा प्रश्न और ये वाला प्रश्न हमारे पिछले वाले जो पैसेज है उसी से संबंधित है और यहाँ पर आपसे कहा गया कि सही विकल्प को चुनिए तो बच्चों हमको प्राप्त हुआ था वाईनेट ए साइन टू पाई एफ टी इंटू टू कॉस टू पाई टी प्लस वन तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड वाला पार्ट ये हो गया ओके okay, तो अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि इफ़ आई नॉट प्रपोशनल टू एर स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज नाइन आई नॉट देखते हैं एज बी नो बच्चों की अगर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए ओके okay? अगर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो इसका वैल्यू हमने क्या लिया था बच्चों प्लस माइनस वन ओके okay? तो अगर मैं यहां पर प्लस वन लू ओके okay? तो यहां से आपको मिल जाएगा टू प्लस वन और ये ए इट मींस थ्री ए मिल जाएगा और इंटेंसिटी होती है एम्बलीटूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल सो फ्रॉम हियर वी विल गेट नाइन ए

तो एम्पलीट्यूड को जीरो करेंगे तो इंटेंसिटी भी जीरो आएगी दैट विल बी द मिनिमम इंटेंसिटी ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट उसके बाद है थर्ड देन द वैल्यू ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी जीरो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमको यहाँ पर देख चुके हैं कि एम्पलीट्यूड वाला पार्ट जीरो होगा इंटेंसिटी वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा उसके बाद है फोर्थ आई नॉट प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज आई नॉट मैक्सिमम की बात यहाँ पर वापस से आई है तो यहाँ पर हम लोग अगर इसका वैल्यू ले माइनस वन तो यहाँ से आएगा बच्चों माइनस टू प्लस वन इंटू ए दैट विल बी माइनस ऑफ ए और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो आपको यहाँ पर इंटेंसिटी की फॉर्म में आई नॉट

पहला प्रश्न और यहां पर आपसे कहा गया कि टू सॉफ बबल्स ए एंड गे प्रेशर ऑफ एट न्यूटन पर मीटर टेंशन दिया गया है आपको फाइन रेशियो एन बी और एन ए जहां पर एन ए और एन बी है नंबर ऑफ मॉल्स ठीक है बच्चों तो एज वी नो कि नंबर ऑफ मॉल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं पी वी आर टी का जहां पर हम लोग उस चेंबर के अंदर टेम्परेचर को ले रहे हैं कांस्टेंट, ठीक है एक बबल ए है दूसरा वाला बी है और बाहर का जो प्रेशर है वो है पी तो इसके अंदर का प्रेशर हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं पी होता है पी नॉट प्लस फोर्टी बाई आर ओके बच्चों तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे ये आएगा एट प्लस फोर टी टी का वैल्यू कितना दिया गया जीरो पॉइंट ज़ीरो फोर जीरो पॉइंट ज़ीरो फोर और आर का वैल्यू आर का वैल्यू फर्स्ट के लिए है टू सेंटीमीटर यानी टू ऊपर आ जाएगा सो so, ओके okay, ये आ जाएगा दो ठीक है तो एट हंड्रेड सिक्सटीन पास्कल ये आ रहा है आ, फर्स्ट वाले का प्रेशर मतलब ये आ गया पी वन ऐसे ही हम लोग यहाँ पर पी का वैल्यू ही फाइंड आउट कर सकते हैं पी नॉट का वैल्यू और जब यह हम यहाँ पर आ, आर का वैल्यू फोर लेंगे तो फोर से फोर कैंसिल एट प्लस फोर इट मीन्स ट्वेल्व ये आएगा ट्वेल्व न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये भी 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको प्रेशर का वैल्यू मिल चुका है अब बात करते हैं एन अपॉन एन की तो ये आएगा बच्चों पी वन पी टू पी वन वी वन पी टू वी टू और आर टी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो पी वन अपॉन पी टू का वैल्यू हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सोलह बटे बारह आ रहा और वी अपॉन वी की बात करें तो वॉल्यूम होगा आर क्यूब के प्रोपोर्शनल सो हेयर विल बी टू टू का क्यूब अपॉन फोर का क्यूब आ जाएगा ये आएगा टू टू का क्यूब एट आ जाएगा एट तो ये आएगा टू और ये आएगा सिक्स सो वन अपॉन सिक्स लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए एन बी अपॉन एन ए विच विल बी सिक्स हेयर ओके तो यहां पर हमारा आंसर होगा सिक्स ओके okay, बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला सवाल है हमारा दूसरा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है ऑयल ड्रॉप फॉल्स थ्रू ए एयर विद ए टर्मिनल स्पीड ऑफ दिस मच विस्कोसिटी ऑफ एयर दिया गया है है डेंसिटी जी हमारे पास देन द एयर डेंसिटी एज कंपेयर टू ऑयल दैन रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज टेन डेज टू माइनस एन सेंटीमीटर देन फाइंड आउट एन एन का वैल्यू हमको यहाँ पर बताना है तो बच्चों को पता है बी क्या होता है टू बाई नाइन आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा सिग्मा माइनस रो और रो जो यहाँ पर नेग्लिजिबल है क्योंकि एयर का जो डेंसिटी है दैट इज नेग्लिजिबल एयर तो इसको हम लोग जीरो मानकर यहाँ पर चल रहे हैं बी का वैल्यू है हमारे पास बी का वैल्यू ये दिया गया है टू इंटू टेन बेस टू माइनस फोर ये आएगा टू बाई नाइन आर का वैल्यू निकालना है ओके आर स्क्वायर आ रहा है ठीक है जी का वैल्यू टेन ले लीजिए ईटा का वैल्यू का वैल्यू विस्कोसिटी 10 टेन डेज टू माइनस फाइव आ जाएगा ठीक है सिग्मा डेंसिटी ऑफ ऑयल ये आ रहा है बच्चों नौ सौ ओके और हमें चाहिए यहां पर रेडियस ऑफ ड्रॉप इन सेंटीमीटर तो पहले हम लोग एक बार मीटर के अंदर इसको चेक कर लेते हैं ओके okay, तो ये आ रहा है बच्चों यहाँ पर वन हंड्रेड और ये आ रहा है बच्चों ओके आर स्क्वायर जी ठीक है ठीक है टू से टू यहाँ पर हो गया कैंसिल और ये स्पीड दिया गया है मीटर पर सेकंड में ठीक है बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ये आ रहा है ठीक है तो यहाँ से फाइनली हमको जो गैन हुआ है बच्चों वो कितना होगा आर स्क्वायर बराबर ये आएगा टेन रेस टू थ्री नीचे आके एट बन जाएगा एट और ये फोर ट्वेल्व ठीक है तो यहां पर हम लोग अगर बात करें तो आर का वैल्यू आर का वैल्यू आ रहा है बच्चों टेन रेज टू माइनस सिक्स लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर सेंटीमीटर में तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में ये था मीटर में सेंटीमीटर में चेंज किया तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में चेंज किया तो इसको आर की पावर माइनस सिक्स और मीटर को किया सेंटीमीटर में चेंज माइनस टू मीटर ओके ओके ये आएगा सॉरी बच्चों ये आएगा टेन ओके तो यहां से हमें मिल रहा है बच्चों टेन डेज टू माइनस एट ओके बच्चों यहां पर आएगा बच्चों मीटर है ना ये तो इसको अगर सेंटीमीटर में हमने अगर चेंज किया तो ये आएगा टेन डेज टू प्लस टू ओके okay, बच्चों तो टेन प्लस टू और ये माइनस सिक्स इट मीनस हियर इट विल बी माइनस फोर ओके सो फ्रॉम हियर कंपेयरिंग दिस वी विल गेट एन का वैल्यू फोर आ जाएगा ओके okay? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और ये हमारा अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है ए ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉग capillary tube is dipped in water the water rises up to 8 cm if the entire arrangement is put in a free falling elevator the length of the water column in the capillary tube will be ab bachcho humko pata hai ki h hota hai bachcho 2t cos theta upon rho g r r अब यहाँ पर g जो है ये हम लोग लेंगे जी इफेक्टिव वाला तो अगर free fall में है तो g minus g आ जाएगा इट मीन्स यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है इन्फिनिटी लेकिन हमको पता है कि बच्चों इन्फिनिटी हाइट तक वाटर नहीं जा पाता है वाटर विल नॉट कम आउट कम आउट फ्रॉम दैट ट्यूब बल्कि उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो खुद को चेंज कर देती है टॉप मोस्ट तक पहुंचने के बाद उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ने लगती है ठीक है बट वाटर विल नॉट कम आउट इट मीन्स एंटायर ट्यूब में ही वाटर चढ़ जाएगा ऊपर की ओर विच इज 20 सेंटीमीटर लेंथ ओके सो आंसर आएगा इसका 20 ओके okay, बच्चों इसके बाद है अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है ओपन ट्यूब एंड ऑफ यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कंटेंस वाटर डेंसिटी इसका स्टैंडिंग इनिशियली 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ ईच आर्म ठीक है स्टार्टिंग में जो इनका लेंथ था वो था ट्वेंटी यहां और ट्वेंटी ये वाली हाइट थी ठीक है सेंटीमीटर बताइए ओके एन एमिसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी फोर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज एडेड टू वन आर्म अंटिल द लेयर ऑफ फाइव सेंटीमीटर हाई इस वाली लेयर का जो हाइट है वो है फाइव सेंटीमीटर ठीक है एच वन इन द फिगर फिगर देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ एच टू एंड एच वन एच टू और एच वन का रेशो क्या होगा तो बच्चों सिंपल सा है ट्वेंटी लेंथ ये ट्वेंटी लेंथ ये ठीक है इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या होगी बीस और बीस चालीस हो जाएगी अब बच्चों ये लेंथ कितनी है फाइव तो जाहिर सी बात है कि ये कॉलम इससे ऊपर वाले लिक्विड को बैलेंस कर रहा होगा ठीक है तो हम लोग इस वाले लिक्विड का जो हाइट होगा ये निकाल लेंगे कैसे आएगा रो जी एच वन वन रो जी एच टू टू डेंसिटी ऑफ वाटर या यू कहें डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड दैट इज रो वन कितना है बच्चों ये फोर है ओके ठीक है ये फोर है जी से जी यहाँ पर सॉरी जी से जी यहाँ पर कैंसिल ये आ रहा है एच वन एच वन कितना दिया हुआ है फाइव डेंसिटी ऑफ वाटर H2, तो H2 वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रहा है ट्वेंटी सेंटीमीटर से लेकर तक की जो है है वो सेंटीमीटर ठीक है 20 बच्चों यहाँ तक तो अब देखो बच्चों अगर ये ट्वेंटी है तो ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी रह गई चालीस ना ये चालीस में से गया बीस यानी ये रह गई बीस और बीस को हाफ हाफ पार्ट में यहाँ पर तोड़ दो तो ये दस रह जाएगी और ये भी दस रह जाएगी तो टेन प्लस फाइव फिफ्टीन तो आ रहा है एच वन और एच टू का वैल्यू ट्वेंटी uh, प्लस टेन ओके ट्वेंटी प्लस टेन मतलब थर्टी सो एच टू अपॉन एच वन का वैल्यू थर्टी अपॉन फिफ्टीन इट मींस टू आ जाएगा ये आंसर ठीक है बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और ये हमारा पांचवा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है इसके अंदर आपसे कहा गया है कि टू वर्टिकल ग्लास ट्यूब ऑफ फिल्ड विद ए लिक्विड आर कनेक्टेड बाई ए द फिगर द ट्यूब ऑन द लेफ्ट इज पुट ऑन आईज एंडल द ट्यूब अनदर ट्यूब इज कैप्ट थर्टी डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बाथ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द लिक्विड ऑफ ट्यूब इज फोर सेंटीमीटर वाइल द हाइट ऑफ द कॉलम इज वन ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है ये सब आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिया गया है तो कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपानशन ऑफ लिक्विड आपको यहाँ पर बताना है ठीक है बच्चों तो हम लोग आ, देखें तो यहाँ पर अगर एक्सपानशन की बात करें समझिएगा बच्चों अगर अगर यहाँ पर भी आइस होती यहां पर भी आइस होती तो उस केस में लेट आ, कि यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों साइड का लेवल क्या होता बच्चों सेम होता ठीक है ना दोनों साइड का जो लेवल होता है वो सेम होता है और अब हम लोग बात कर रहे हैं केवल एक्सपेंशन की तो इस वाले पार्ट में कोई एक्सपेंशन नहीं होगा इस वाले पार्ट में एक्सपेंशन हुआ है ये वाला ठीक है तो एक्सपेंशन वाला वॉल्यूम है वो ये है ठीक है एंड एज वी नो डेल्टा बी अपॉन बी नॉट ये होता है बच्चों गामा डेल्टा टी ठीक है तो हम लोगों को पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यहाँ पर सेम है तो हाइट की फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं कि इसकी हाइट ये हाइट कितनी है बच्चों फोर और ये हाइट वन ट्वेंटी ठीक है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा इसके बाद गामा की बात कर लेते हैं बीटा इंटू टेन डेज टू माइनस फोर बीटा इंटू टेन डेज टू माइनस फोर टेम्परेचर का चेंज यहाँ और यहाँ पर कितना है थर्टी ओके थर्टी डिग्री तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर हमको अप्रॉक्सीमेशन में आंसर मिल जाएगा देखते हैं देखें आ, बीटा का वैल्यू यहाँ से ठीक है ये आएगा बच्चों यहाँ पर फोर ज़ीरो 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 पावर यहाँ पर और ये आएगा थ्री सिक्स डबल ज़ीरो ठीक है बच्चों तो इससे ये हो गया कैंसिल फोर हंड्रेड अपॉन थर्टी सिक्स ओके फोर हंड्रेड अपॉन थर्टी सिक्स तो इसको हम लोग सॉल्व करके ओके बच्चों तो हम लोग यदि इसको सॉल्व करें तो आपको यहाँ पर बीटा का वैल्यू मिल रहा है 11.11 पॉइंट .11 के आसपास इट मीन्स यहाँ पर इंटीजर की फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो आंसर विल भी 11 ओके उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न यानी छठा प्रश्न और <laughs> यहाँ पर आपसे कहा गया कि स्पेरिकल बॉल ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस दिस मच इज ड्रॉप इनटू टू ए ट्यूब ऑफ कंटेनिंग ऑफ विस्कस फ्लूड फिल्ड अप अप टू जीरो मार्क ठीक है यहाँ तक है इन द फिगर विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड इज दिस मच एंड इट्स डेंसिटी इज दिस मच रो इज डेंसिटी ऑफ बॉल ठीक है अज्यूम द बॉल रीजेज एट टर्मिनल स्पीड बाई टेन सेंटीमीटर मार्क ओके यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसने अपनी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर ली है और इसके बाद आपसे कहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय दट बल तो ट्रेवल्स द डिस्टेंस बिटवीन टेन टू ट्वेंटी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा तो अगर टाइम की बात करें तो क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते तो उसने टर्मिनल वैलिसिटी गेन कर ली है इट मीन्स बी टी अपन ओके सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ओके डिस्टेंस तो है हमारे पास टेन सेंटीमीटर वीटी का वैल्यू अगर आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा तो वी का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा वी होता है बच्चों टू बाई नाइन आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा और नीचे की ओर ये जा रहा है ठीक है तो सिग्मा माइनस रो डेंसिटी ऑफ बॉल बारह सो का डबल आएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट विल बी अब आप लोग पर आर जी और ईटा का वैल्यू रख के से बीटी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कैलकुलेशन इज बी टी का वैल्यू आप लोग बीटी का वैल्यू आप लोग लो, जब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों टू सेंटीमीटर पर सेकेंड और बीटी का वैल्यू यहाँ रखेंगे टू तो ये आएगा बच्चों फाइव सेकेंड ओके सो आंसर विल बी फाइव ओके बच्चों ओके बच्चों ये हमारा सातवां प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया कि इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर ए मास कैन बी हंग ए लीनियर मास मच दैट ओवर ए लाइट वाइब्रेटर ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द पॉइंट पी एंड ये इसका वैल्यू आपको दिया गया है टू मीटर एन दासन और ट्वेंटी फाइव के जी देर्ड हाउ एवर नो स्टैंडिंग वेब वेब्स आर ऑब्जर्व बिटवीन एनी मास वैल्यू बिटवीन दिस टू ओके तो जेइ सी बात है कि इनके लिए स्टेंडिंग वेब यहाँ पर बन रही है इनके बीच के किसी भी मास के लिए स्टेंडिंग वेव नहीं बन रही बिटवीन जेइ सी बात है कि इन दोनों में से इन दोनों में इन दोनों को यूज़ करने पर जो लूप जनरेट होंगे उनमें एक का फ़र्क होगा तो मान लीजिए कि एफ होगा पी अपॉन टू एल ठीक है टी टी आएगा बच्चों एम जी अपॉन म्यू तो अगर 16 के लिए लूप है पी तो 25 के लिए लूप कम हो जाएंगे क्यों क्योंकि फ्रीक्वेंसी को तो कांस्टेंट रखना है तो अगर पी मास अगर बढ़ रहा है तो पी का वैल्यू कम होगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पर एफ इज इक्वल टू पी अपॉन टवेल सबसे पहले हम लोग ले ले रहे हैं 16 के मास 16 जी आ जाएगा नीचे म्यू आ जाएगा ठीक है और अब ऐफ़ पी का वैल्यू कम होगा एक ठीक है टूवेल्व आ जाएगा यह भी आ जाएगा ट्वेंटी फाइव जी अपॉन म्यू इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ऐफ़ का वैल्यू तो यहाँ पर सेम है कैंसिल आउट टूवेल्व से टूवेल्व कैंसिल म्यू से म्यू कैंसिल जी से जी कैंसिल इसको सॉल्व करने पर आपको पी का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों फाइव ओके okay? और पी का वैल्यू अगर आप लोग यहाँ रखोगे किसी एक में यहाँ पर ओके okay, तो यहाँ से आपको फिर इस एफ का वैल्यू मिल जाएगा ओके okay? सो so, uh, देखते हैं क्या आपको यहाँ पर प्राप्त होगा पी का वैल्यू यहाँ पर अगर आप रखो तो F का वैल्यू यहाँ पर आएगा बच्चों फाइव अपॉइन्ट लेंथ आपके पास है सिक्सटीन और जी जी का वैल्यू टेन म्यू का वैल्यू भी दिया गया है ठीक है बच्चों तो यहाँ से जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको F का वैल्यू मिल जाएगा एंड दिस F विल बी कैलकुलेशन इज़ देयर ट्रिक मेथड जो है वो आपको मैंने यहाँ पर बता दी है एफ का वैल्यू ये आएगा 84.5 का एन टाइम्स ओके और कैलकुलेशन करने पर आपको ये प्राप्त होगा 84.5 फोर पॉइंट फाइव इंटू फोर ओके तो एन का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा फोर ठीक है बच्चों कैलकुलेशन करके आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिएगा एफ़ का वैल्यू जो है वो 84.5 का फोर टाइम्स आपको प्राप्त होगा एन का वैल्यू चार प्राप्त होगा बढ़ते हैं थोड़ा और आगे और ठीक है एन का वैल्यू आ गया बढ़ते हैं आगे और ये हमारा आठवां प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है इसके अंदर आपसे कहा गया है कि स्ट्रिंग विद डेंसिटी ऑफ दिस मच इज अंडर टेंशन दिस मच इज फिक्स एट बोर्ड एंड वन ऑफ इट्स रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज दिस मच देन नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी इज फोर हंड्रेड फिफ्टी देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इज ट्वेंटी फाइव एन देन फाइन वैल्यू ऑफ एन तो बच्चों को पता है कि अगर हम लोग बात करें स्ट्रिंग की <laughs> तो स्ट्रिंग के लिए और इवन सभी हार्मोनिक जनरेट होते हैं इट मींस ये और ये एक दूसरे के जस्ट आगे वाला इंटीजर मल्टीपल होगा ठीक है तो हम लोग इनके डिफरेंस की बात अगर कर लें तो ये आएगा 450 हंड्रेड फिफ्टी माइनस थ्री कितना आ गया बच्चों 75, ठीक है इट मींस हमको यहां पर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो गेन होगी वो होगी सेवन

वर्टिकल प्लेन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द लेफ्ट वर्टिकल लिंब इज वन हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है लेफ्ट वाली में लिक्विड का हाइट दिया हुआ हमको वन हंड्रेड सेंटीमीटर लिक्विड इन इन द लेफ्ट वर्टिकल लिंब इज मेंटेन एट द टेम्परेचर ऑफ जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है उसके बाद कहा वाइल द लिक्विड इन द राइट लिंब इज मेंटेन एट ए टेम्परेचर ऑफ वन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है डिफरेंस इन लेवल इन द टू लिम्स इज एन बाई टेन सेंटीमीटर देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एन तो बच्चों एज वी नो डेल्टा बी अपॉन बी ये होता है बच्चों गामा डेल्टा टी तो डेल्टा बी की बात करें ये आएगा डेल्टा एच इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एच ठीक है ये आएगा गामा इंटू डेल्टा टी तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा और जिस साइड में टेम्परेचर ज्यादा जाद, है वहां पर हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी लिक्विड कॉलम की ओके डेल्टा एच का वैल्यू हमें चाहिए एच का वैल्यू कितना था बच्चों वन हंड्रेड गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है टेन डेज टू माइनस फाइव और टेम्परेचर का चेंज डिफरेंस की बात करें वन हंड्रेड ठीक है सो फ्रॉम हियर वी कैंसर डेल्टा एच का वैल्यू आ रहा है बच्चों जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाई टेन सेंटीमीटर ओके और आपसे कहा है एन बाई टेन सो वन बाई टेन बराबर एन बाई टेन सो एन का वैल्यू कितना आ गया बच्चों वन ओके सो वन विल बी आवर आंसर ओके बच्चों तो ये हमारा अगला प्रश्न यानी टेंथ क्वेश्चन और इसके अंदर आपसे कहा गया

देखिये बच्चों हम लोग इसको पहले चेंज करते हैं कि आखिर कौन कौन सी वेव मिलकर इस वेव का निर्माण कर रही है ओके okay? तो ये आ रहा है हमारा कॉस जीरो पॉइंट टू पाई टी तो बच्चो एस बी नो की कॉस टू कॉस ए कॉस बी ये होता है बच्चों फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी का ओके तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं टू से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ठीक है तो ये आ रहा है बच्चों ए बाई टू आ जाएगा यहाँ पे, टू कॉस ए कॉस बी ये आएगा बच्चों कॉस ए माइनस बी फिफ्टी में से गया जीरो पॉइंट टू तो ये आएगा बच्चों फिफ्टी uh, में से गया ज़ीरो पॉइंट टू इट विल बी फोर्टी नाइन पॉइंट एट आ जाएगा पाई टी और फिफ्टी में ऐसे गया फिफ्टी में के अंदर ऐड किया ज़ीरो पॉइंट टू ये आएगा बच्चों फिफ्टी पॉइंट टू पाई टी ठीक है बच्चों तो हमें यहाँ पर वो दो वेव्स मिल चुकी है जो कि आपस में अध्यारोपित हो रही थी ओके बच्चों और इस पार्ट का फ्रिक्वेंसी कितना है फोर्टी नाइन पॉइंट एट और इस पार्ट का फिफ्टी पॉइंट टू ओके आ, <laughs> मिनट बच्चों टू पाई एफ के साथ कंपेयर करना है बच्चों ओके तो ये हमारा ओमेगा तो यहां से हमको एफ वन का वैल्यू मिल रहा है बच्चों ये है पाई यहाँ पर कैंसिल फोर्टी नाइन पॉइंट एट अपॉन टू आएगा फोर्टी नाइन पॉइंट एट फोर्टी नाइन पॉइंट एट अपॉन टू और एफ टू का वैल्यू F2 का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा 50.2 पॉइंट टू अपॉन टू ओके तो यहाँ पर F2 टू माइनस एफ वन विल बी बीट फ्रिक्वेंसी सो फ्रॉम ईयर वी कैन से कि ये आ रहा है बच्चों ठीक है माइनस कर दिया 50 में से 49.8 ठीक है तो ये आ रहा है बच्चों यहाँ पर 0.4 आ जाएगा 50.2 में से 49.8 माइनस किया तो 0.4 अपॉन टू आ जाएगा ठीक है तो ये आएगा जीरो पॉइंट टू ठीक है बच्चों तो यहाँ पर हमें बीट फ्रिक्वेंसी का वैल्यू मिल चुका है तो अब हम लोग इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे टी का वैल्यू ये आपको प्राप्त होगा बच्चों वन अपॉन जीरो पॉइंट टू पॉइंट हटाया ये आ गया टेन इट मीनस फाइव ओके सो फाइव सेकेंड का टाइम लगेगा ओके okay? दो बीट्स के बीच का टाइम होगा फाइव सेकेंड ओके सो फ्रॉम ईयर वी कैन से दैट फाइव विल बी आवर राइट आंसर तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए खूब प्रैक्टिस कीजिए और अपना ध्यान रखिए सो टेक केयर जय सी एल सी बाय बाय